In certain cases, incidents, characters, timings have been changed or fictionalized for dramatic purposes. The scenes depicted may be a hybrid of fact and fiction. The film is not intended to harm, hurt, or cause disrepute to any character, living or dead, individual, class of individuals, or group. Welcome and good evening to One-on-One with me, Arnab Ghosh. I'd like to introduce you to the man, the myth, and the most wanted outlaw of the world, D. सारे लगे पड़े हैं लाइब्रेरी में ताले, मिनट मिनट में सेल्फी खींचे इंस्टाग्राम में डाले, 24 घंटे फोन पे लाइफ चलाए लोन पे, खुद कुछ करने से रहे औरों की नोक्स निकाले। करोड़ों के घोटाले, पैसा पावर से जब चाहे जिससे जो करवाले, हर घंटे ब्रेकिंग न्यूज, एटलीस्ट मिलियन व्यूज, अरे वे फालतू इशू बनाए असली मुद्दे टाले। Vachani, you want to say that core committee does not take responsibility for the spokesperson Mr. Nayak's comments? देखिए मैं वो मेरी बात का जवाब दीजिए Mr. Vachani. देखिए मैं आपको मेरी बात का जवाब पहले देना होगा. Answer me first. अबे मुझे भी तो कुछ Answer me first, Mr. Vachani. अबे बोलने तो दे. Answer दीजिए पहले मेरी बात का. आपको आंसर देना होगा मिस्टर वाचानी. अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलने देना. आंसर दीजिए ना मिस्टर वाचानी. मैं दे रहा हूँ ना जवाब. अबे बोल तो रहा हूँ. Answer me first, Mr. Vachani. You have. ओके, सेव वाटर कैंपेन को प्रमोट करने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले मिस्टर वाचानी ने आज यहाँ पे पूरा पानी का एक ग्लास वेस्ट कर दिया. इसका मतलब ये है कि आपने आज
इस बात की बिल्कुल परवाह किए बगैर कि जिस कॉज को आप सपोर्ट करते हैं पब्लिकली उसे उछाल रहे हैं मिस्टर वाचानी। अबे मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देता तू? Answer me first। अरे मैं कुछ बोलूं? You have to answer। Mother। आपने अपनी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उछाल दी है मेरे मुंह के ऊपर। क्या बोलूं? You cannot do that। इसका मतलब आपका अपनी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं है। That's what you want to say? 150 साल पुरानी पार्टी का आज आपने यहाँ पे टोपी उछाल के मजाक उड़ाया है मिस्टर वाचानी। अरे इसमें मजाक पे सर, चलिए लाइव टेलीकास्ट है, सब सुन रहे हैं, चलिए सर। अरे यार कमाल का ये यार, कब से बकबक किए जा रहा है जैसे बिना ब्रेक की बुलेट ट्रेन हो। अब हमको स्टूडियो में बुलाता है तो बोलने का मौका तो दिया कर। ये सर पता भी है हम लोग यहाँ आने से पहले कितनी तैयारियां करते हैं। अरे समझता नहीं है यार, हद हो गई है तो। छोड़। Answer me, Mr. Vachani, you cannot leave like this। ये ना इसका रोज का हो गया, रोज रात को आओ प्राइम टाइम में अपनी बेइज्जती करवाओ। अबे पॉलिटिशियन की। What do you have to say, my friend? You tell me। अरे एक बात समझ, पॉलिटिशियन की भी इज्जत होती है, समझा? To answer me, Mr. Vachani, you cannot do that. जरा पंकज को देना। पंकज, फर्स्ट ऑफ ऑल कट द फीड नाउ एंड स्विच इट टू समथिंग एल्स, एनीथिंग। और दूसरे, अर्णव को प्राइम टाइम के स्लॉट से हटा दो सोमवार से। और सुन, नेहा को बोल स्टूडियो में आए। चलो चलो बाहर चलो सब, मुझे अर्णव से बात करनी है। चलो ओए बाहर चल। क्या ए ये क्या, भीग कैसे गया? पानी मारा। हाँ मैं तो जान भी दे दूँ। हाँ सुनना, वो कल से 7 to 8 PM वाला स्लॉट तू ही करेगा। अब 7 to 8 PM भी मुझे ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं वही तुझे करना पड़ेगा, सिर्फ वही। हाँ 7 to 8 PM मतलब अब लोगों को दाल तड़का बनाना सिखाऊंगा मैं? या कुकरी स्लॉट है, अब समझ ले, देख ले कैसे क्या करेगा। What the hell, Roy? What the hell you tell me? अच्छा पहले कह रहे थे टीआरपी नहीं आ रही, लॉसेस आर माउंटिंग, अब टीआरपी आ रही तो यू हैव अ प्रॉब्लम। टीआरपी ऐसे बढ़ाते हैं? ये तरीका टीआरपी बढ़ाने का? अच्छा अब मॉरल साइंस के चैप्टर्स याद आ गए, वेरी नाइस। क्या हुआ, जलाना? नीचे वार्निंग आती है यार। लुक एट नेहा शूज यार, प्योर फैशन रिपोर्टिंग डिलीवर्ड विद द पिंच ऑफ सॉल्ट एंड रेटिंग्स आर गुड टू, नोबडी इज कंप्लेनिंग। रॉय चड्डी बनियान और सेक्स के ऊपर शो बनाना और लाइव टीवी पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को चैलेंज करना दोनों अलग बातें होती हैं। ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज, ये कोई चड्डी बनियान शो नहीं, इंडिया का बेस्ट ग्लैमर अपडेट शो है। ओ आई एम द बेस्ट न्यूज राइटर इन द कंट्री, ये शो तो मैं रॉय की रिक्वेस्ट पे कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो इस डिबेट में? अपना ब्यूटी पार्लर बाहर लेके चलो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है इसको। आई एम हियर बिकॉज रॉय कॉल्ड मी एंड आई एम गेटिंग द प्राइम टाइम स्लॉट फॉर योर शो। ये व्हाट? हम्म, अब नेहा मेरी जगह प्राइम टाइम स्लॉट करेगी? शो के नाम को लिटरली ले लिया क्या? वन ऑन वन अगर ये शो करेगी ना तो पॉलिटिशियंस जवाब कम और इसको फोन नंबर ज्यादा देंगे। आई एम लीविंग रॉय, let me know when Mr. Angry Pants has cooled down. मैं बाद में आती हूँ। No, 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 Neha. तुम कहीं नहीं जाओगी। रुको, रुको। This man must know कि टाइम के साथ बदलना कितना इंपॉर्टेंट है। यार तुझे भी पता है कि नेहा used to be the best writer in news business, हाँ? और अगर ये शो कर रही है क्योंकि चैनल को उसकी जरूरत है, you know, flexibility. Shut up! Wake up and smell the coffee. आजकल कोई तुम्हारा शो नहीं देखना चाहता। ये ठीक है कि आज रेटिंग्स ठीक आ रही थी, but at what cost? कल RGB वाले आएंगे, मुझे फिर से 6 cameras, 4 mics और पता नहीं कितनी हड्डियों का जवाब देना पड़ेगा। पता है तुझे? आप पॉलिटिकल हुलिगनिज्म हैंडल नहीं कर सकते, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरा काम है हीटेड डिबेट्स हैंडल करना, वो मैं कर रहा था अंटिल यू। हेलो क्या बात है यार, ले आऊंगा कलिंगड़, बोल दिया कलिंगड़ कलिंगड़। ओ हाँ बेबी, नहीं नहीं वो कुछ नहीं कुछ नहीं, वो एक ऑफिस बॉय को नौकरी से निकाल दिया तो चिल्ला रहा है, गुस्सा हो रहा है। हाँ हाँ ले आऊंगा ना। हाँ श्योर, बाय स्वीटहार्ट।
सॉरी वो मैं देखा नहीं, हीटेड डिबेट में था ना तुम। इट वाज नॉट अ हीटेड डिबेट, इट वाज हार्डली अ डिबेट। ओए पंकज क्या शोर हो रहा है वहां, बंद कर यार। पंकज यार हंसो मत रे, 70 साल के अंधे बूढ़े का प्राइम टाइम पे रोना, इट वाज नॉट हीटेड डिबेट। ऐसा लग रहा था तुमने किसी 6 साल के बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप छीन लिया हो। डिड यू सी द वे ही वाज क्राइंग? बट इट वाज गुड फन। ये यार अर्नब, तू एक अच्छा न्यूज एंकर थैंक्स था, लेकिन ये नौटंकी रोज रोज नहीं चल सकती यार, ये तू भी जानता है। इट्स नॉट फिजिबल, पीपल वॉन्ट टू सी सम रियल स्टफ। रिमेंबर दोज डेज जब लोग अपना डिनर छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे कि अर्नब आज कौन सा मुद्दा उठाएगा, किसका कोर्ट मार्शल होगा। इट्स गॉन यार। देख, आई कांट सस्टेन लाइक दिस। टॉप मैनेजमेंट की तरफ से भी ऑर्डर आ गया है कि 2 महीने का टाइम मिला है। वी हैव टू मेक प्रॉफिट बाई देन, अदरवाइज सब कुछ खत्म, चैनल खत्म, तू खत्म। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं रॉय, याद है? चैनल को टॉप पोजीशन पे मैं ही लाया था, चैनल को बिगेस्ट ब्रांड भी मैंने ही बनाया था। यार आदमी की बातों में जब ये बार बार था आने लगे ना, तो समझ लेना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है यू नो इट। कुछ कर यार, तू कर सकता है, तूने पहले भी किया है। थिंक ह्यूज, वरना ये 7 to 8 PM वाले स्लॉट के लिए भी बहुत से लोग मुझे पुश कर रहे हैं। तो अब अर्नब घोष को स्क्रीन टाइम के लिए जेफ कपूर से कंपीट करना पड़ेगा? व्हाट द हेल। नहीं आप प्लीज यार, कुछ सोच और जल्दी सोच। सिर्फ 2 महीने का टाइम है हमारे। अरे पंकज जी आवाजें बंद हो गई है? नहीं सर, मैं विनोद हूं। अबे विनोद, ये मच्छी बाजार है या स्टूडियो? कम बेबी। तेरी नजर, तेरी नजर गाजी अली, उसको ना कोई फिकर हाजी अली, गाजी अली। जिस पे है तेरी नजर हाजी अली, उसको ना कोई फिकर हाजी अली, गाजी अली। अली अली हाजी अली, अली अली हाजी अली, अली अली हाजी अली, अली अली हाजी अली। दिन गर्दिश में है गुजार दे, मेरी कश्ती को अब कगार दे, बिगड़ा नसीब है सवार दे, मुश्किलों से मुझे उभार दे, हो कर दे मुझ पे तू रहम, कर दे मुझ पे तू करम, बेनिशान राह को तू राह दे। क्या हुआ, ये ग्रिल चिकन जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? बहुत लोग ये गलती करते हैं कि चिकन को ग्रिल होने से पहले निकाल लेते हैं। एक्चुअली जब तक चिकन का कलर ये देखिए ऐसा ना हो जाए, तब तक इसे ग्रिल पर रहने दें। यहाँ ऑफिस में मुझे लातें पड़ रही हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है।
लाते क्या बस, तुम्हें पढ़ रही है, मुझे नहीं, वो भी अपने खुद के बच्चे से। फोर्थ मंथ है, याद है ना? सॉरी सॉरी, मजा आ रहा होगा फिर तो। व्हाट आई मीन, सॉरी बेबी, आई मेंट लोग खुश होते हैं ना जब बच्चा पहली बार लात मारता है तो, लाइक दैट आई सेड। तुम्हें सब मालूम है ना, तो खुद ही कर लो। I'm sorry. How are you feeling? कोई ऐसे बात करता है क्या एक प्रेग्नेंट वुमन से? Of course I'm feeling awful. छोड़ो. Okay. अच्छा आप बताओ हुआ क्या है? Or you want me to read your face? सच बोलू? नहीं, Harry Potter की स्टोरी सुना दो. Of course सच बोलो यार. मुझे प्राइम टाइम स्लॉट से हटा दिया गया है. What? कुकरी शो करूंगा मैं 7 to 8 PM इसकी तरह. Shit. पर आज अचानक हुआ क्या? रॉय ने पॉइंट ब्लैंक बोल दिया है, 2 महीने हमारे पास, इफ द रेटिंग्स डोंट गो अप वी आर डूम्ड, चैनल विल शट डाउन। तुम्हें कोई और असाइनमेंट मिल जाएगा यार, आई मीन इंडिया में कोई दूसरा अर्नब तो नहीं है ना? इतना आसान नहीं है, मेरे लेवल पे फेल होने पे सेकंड चांस नहीं मिल सकता, और अगर मिल भी गया ना, आई कांट एक्सपेक्ट टू बी पेड लाइक बिफोर। हद है यार, मैंने कितनी चीजें बुक करके रखी है बेबी के लिए ऑनलाइन। डोंट वरी, वी विल फिगर समथिंग आउट। लाइफ ऐसे ही लोन पे चल रही है, जल्दी कुछ ना किया तो टोयोटा से टाटा पे आना पड़ेगा। अगर आपके पास काजू का बजट नहीं है तो दिक्कत की कोई बात नहीं, इस डिश को किफायती बनाने के लिए हम मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस स्वाद में थोड़ा सा अंतर रहेगा। और सुनाओ तुमने क्या किया सारा दिन? ब्राउजिंग, कुछ खरीदा नहीं। मगर क्या ढूंढ रही थी? सफेद साड़ी। व्हाट व्हाट, डोंट बी सो सरप्राइज्ड अर्नब, तुम जो पॉलिटिशियंस को इंसल्ट करते हो ना लाइव टीवी पर, उसके लिए तो लेनी ही पड़ेगी। कभी कभी लगता है 2 साल पहले न्यूज इंडिया का ऑफर ले लेना चाहिए था, दे आर एट द टॉप ऑफ द चार्ट्स नाउ। रिलैक्स यार अर्नब, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग यार, सो जस्ट लेट इट बी। बातें करना बड़ा आसान है यार, प्रैक्टिकली ये सब सोच के रिग्रेट ही होता है। यू नो ऑफर मिला था तब मे बी। अच्छा सुनो, आई हैव टू टेल यू समथिंग। बोलो बोलो। तुम्हें याद है जिस रात हमने कंसीव किया था? तुम उस रात स्टूडियो से लेट आए थे, और तुम्हारे आने से पहले शेखर घर आया था। शेखर वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? ओके, वी जस्ट गॉट टॉकिंग एंड हैड सम वाइन एंड वन थिंग जस्ट लेड टू अनदर, एंड आई, यू नो वुमेन गेट वेरी स्टूपिड एंड इमोशनल समटाइम्स। व्हाट डू यू वांट टू से? बोलो। I'm not too sure. I'm just confused, but maybe this baby is yours or his. I don't know. नर अजगर मादा अजगर को अपनी महक से आकर्षित करता है। मादा के मान जाने पर दोनों एकांत में घंटों संभोग का आनंद लेते हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है मतलब? डोंट वरी, तुम्हारा ही है यार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि चीजें और भी बहुत बुरी हो सकती हैं, सो यू लर्न टू रिस्पेक्ट योर अचीवमेंट्स हस्बैंड। रिलैक्स। अच्छा आई एम गोइंग टू स्लीप, ओके, गुड नाइट। Thank you.
अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी पुरानी स्टोरी है? गरम गरम चाय। ओके, आर यू श्योर अंडा आपने? गरम चाय। गरम गरम चाय सर, चाय चाय सर। टेल मी समथिंग मोर अबाउट द स्टोरी। मोर मतलब पीकॉक सर। अरे लीजिए ना सर। ओके, पॉलिटिकल हिस्ट्री। आई विल कॉल यू बैक। बैठ। क्या हुआ सर, सुबह की चाय अच्छी नहीं थी क्या? बैठ ना। पत्ती ज्यादा हो गई थी क्या? मैंने कहा था सरपेंट्री वाले को, सर को गैस की शिकायत है, पत्ती कम रखना। बैठ। ठीक है सर। ये क्या है? चाय है सर, अच्छी है बहुत। हर 5 मिनट में तुम चाय लेके आ रहे हो, चाय पीने की मोहलत तो दे। एक और पी लीजिए ना सर, अच्छी है बहुत। चाय एक गर्म पदार्थ है, इसको आदमी चुस्की मार मार के पीता है। चाय पिला रहे हो कि गमले को पानी दे रहे हो तुम? अरे सर आप तो गुस्सा कर रहे हैं, आप काम भी तो इतना ज्यादा करते तो चाय भी तो ज्यादा लगेगी ना। पी लीजिए ना सर, अच्छी है वो। अगर तूने एक बार भी बोला कि अच्छी है तो मैं अपना गला दबा लूंगा यार। अरे सर आप तो गर्मा गए सर, मैं बाद में ला लूंगा। बाद में मत ला, मत ला। तू मेकअप मैन है, चाय वाला नहीं है, मुझे समझ नहीं आता तू चाय के पीछे क्यों पड़ा रहता है। अब प्रोफेशन और पैशन में तो फर्क होता है ना सर, और आप तो जानते ही हैं मैं कॉलेज के जमाने से चाय पिलाने का कितना शौकीन हूँ। क्यों अपने अब करियर पे तू चाय फैला रहा है यार? तेरे तारे मुझे जमीन पे लग रहे हैं। चाय बनाने से मेरे भाई करियर नहीं बनेगा। मेहनत करेगा तो एक दिन कैमरा के सामने भी आ जाएगा। तेरी माँ चाहती थी ना तुझे टीवी पे देखना। सर चाहती तो है मगर उसको क्या पता पैशन किसको कहते हैं। सर आप आज अच्छे मूड में नहीं लग रहे। ओ रियली? सर आप कहीं खराब चाय का गुस्सा तो मुझ पर नहीं उतार? गॉड जस्ट किल मी। आज मैं डिबेट खत्म करके रहूंगा। ओके। वो भाई कहाँ है? भाई कराची में है सर, कल ही तो न्यूज में आया था। अबे तेरा भाई कहाँ है? दिमाग के पहलवान वो कुरियर वाला। अच्छा चूसी, मैं अभी उसको बुला के लाता हूँ सर। बुला। हेलो। हाँ सॉरी अजय यार, गॉट कॉट अप विद सम ऑफिस वर्क। अच्छा हाँ क्या बोल रहा था? ओके हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ सर चुस्सी। गुड आफ्टरनून सर, कुछ कुरियर करना है सर। हाँ हाँ राइट, तो कल तक भिजवा दे उसको। ओके सर, एक बार तो सी हाँ बोल के देखो सर। हाँ एक बार आपने हाँ बोला ना सर, आपका सामान गया सर। अच्छा अच्छा मैं तेरे को कॉल करता हूँ 5 मिनट में, बॉस ने बुलाया। ओके अर्जेंट बुलाया, बाय। अच्छा सर भाभी जी को गुलदस्ता मिल गया था? तूने भिजवाया था? मुझे बख्श दो, तुम लोगों को जैसा सही लगे वैसा करो, बस एक रिक्वेस्ट है। क्या सर? तू सारे साल की चाय मुझे एक दिन में पिला रहा है, उसके बाद कभी चाय नहीं पिलाएगा तू मुझे। ओके और तू ये तेरा बॉर्डर है, तू बाहर की चीजें कुरियर करेगा, उसकी इसकी इसके अंदर का कुछ भी कुरियर नहीं करेगा तू। कसम खाओ। खाई सर मेरी नहीं अपनी। खाई खाई दूसरे की। खाई 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 सर। ये लक्ष्मण रेखा है तेरी। मैंने कहा था उसको पत्ती कम रखना। क्या बात कर रहे? अब गैस है, कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना। ये बात तो सही है। हाँ जी आई वाज इन अ मीटिंग। या एनी अपडेट्स? रॉय ने कुछ कहा? नथिंग न्यू। तुम सुनाओ, हाउ वाज योर डे? क्राइम पेट्रोल 8 एपिसोड्स बैक टू बैक। वाह, औरतों को प्रेगनेंसी में खट्टे मीठे की क्रेविंग होती है, मेरी बीवी को क्राइम की क्रेविंग। Thank you, God. You're such a blessed. Drama. Such a drama, God. वैसे पता है, एक एपिसोड में there was this guy जो कंस्ट्रक्शन साइट से ईंटें चुराता और पकड़ा गया। Can you believe वो किस गैंग का आदमी था? मुझे किसी ने बताया नहीं। डी गैंग। I mean imagine, डी गैंग को ईंटें चुरानी पड़ रही हैं। इसमें weird क्या है? डी गैंग के बहुत लोग धक्के खा रहे हैं। भाई तो हवा ओली है, लड़कों को छोड़ गए यहाँ पे ईंटें सरिया चुराने के लिए। वैसे मैंने सुना है कि वो अभी भी एक्टिव है यहाँ पर। आई मीन लोग कहते हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, बट मेरे लिए मैटर करता है कि तुम क्या कहती हो। वैसे इमेजिन इट बी सो कूल टू इंटरव्यू हिम। आई मीन अ वन ऑन वन विद द मैन हिमसेल्फ। सेंसेशनल। हिप्नोटाइज कर रहे हो? हिप्नोटाइज तो तुम हो गई हो। ये क्राइम पेट्रोल वाले डेंजरस आइडियाज अपने तक ही रखो।
वरना वाकई सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। You're such a buzzkill. अरे मुंह में नहीं आया। एक बार और। साफ कर लेना। I'm going to bed. I'll have two drinks and come. So cool to interview him. A one-on-one with the man himself. Sensational. Pearl? Pearl? Baby? Arnab, yaar. क्या है इतनी रात को? यू स्केर्ड मी। कॉम्प्लीमेंट करने आया था तुमको। फॉर व्हाट? तुमने वो डी का इंटरव्यू करने का घटिया आइडिया दिया था ना, तो नींद में से जगा के इंसल्ट करोगे क्या? नो, इट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। गुड फॉर यू। आई एम गोइंग टू पिच इट रॉय। ऑल द बेस्ट। एक्साइटेड हो तुम? बहुत। तुझे कैसा लगा ये आइडिया? हाँ, रिस्की है। डोंट वरी, तेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम होगा। हाँ, तू ये बता तेरे लिए क्या लाऊं वहां से? बंदूक, उनके पास असली वाली होती है। सुजा, बहुत मस्ती करता है। ध्यान रहे कि आंच ज्यादा तेज ना रहे, वरना कड़छी और कढ़ाई दोनों जल सकते हैं। आदाब जनाब। आदाब आदाब। जनाब आपके फोन में बैलेंस नहीं है, आप रिचार्ज करवाना चाहेंगे? वो तो हो जाएगा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आप कॉलर ट्यून लगवाना चाहते हैं? काली जुल्फे रंग सुनहरा। मौसम कैसा है वहाँ का? शट अप इडियट। कैसी हो जाने मन, याद ही नहीं करती आजकल। क्या याद करूं? मुझे तुझसे यंग मिल गया है, अंकल कहीं का। अच्छा, हाँ भाई। जाके शीला को उड़ा दे, अभी गोली की आवाज सुनना मांगता है मेरे को। जैसा आप कहें भाई, काम हो जाएगा। हाँ ठीक है। गिरधारी, इनसे मिलो। ये GML ग्रुप के मालिक हैं मिस्टर अरशद अंसारी। अंसारी साहब, ये गिरधारी सेक्युलर है, मेरा सारा काम संभालते हैं। सलाम। इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, ये देखने में शरीफ हैं लेकिन शराफत भी पानी भरती है इनके आगे। तो भाईजान, थोड़ा अपना भी काम करवा दीजिए जो मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ हाँ, गिरधारी, इन साहब का कहना है कि इन्होंने जो बिल्डर को धमकी के लिए बोला था, हमारी तरफ से फोन ही नहीं गया उसको। हाँ, वहीं से बताओ, सबके सामने बताओ, धंधे में कानाफूसी नहीं अच्छी लगती मुझे। क्या फोन हिला रहा है, बोलो ना क्या है? बैलेंस नहीं था फोन में, इसीलिए कान में बोलना चाह रहा था ना। बाकी फोन मर गए क्या? महमूद का फोन कहाँ था? भाई महमूद के फोन में मतलब सॉफ्टवेयर कम, सॉफ्टफोन ज्यादा है। अरे तो घर में 10-10 और लैंडलाइन है, वो किस लिए? भाई लैंडलाइन वाला क्या है ना, आजकल वो टेली मार्केटिंग वाले इतना परेशान कर दिए हैं लोगों को, लोग लैंडलाइन उठाते ही नहीं है। मैंने कई दफे ट्राई किया। अंसारी साहब, आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इसे अफीम खाने की आदत है। ठीक है भाई, आप बोल रहे तो हो ही जाएगा। रिचार्ज करवाना चाहिए था ना भाई, आपको पता नहीं है 100-100 रुपए के लिए रोना पड़ता है, वो अकाउंटेंट पैसे नहीं देता है, बोलता है कलेक्शन नहीं आ रहा, कलेक्शन नहीं आ रहा। हो जाएगा इतने में रिचार्ज? जी जी बहुत है। वैसे भाई 10 दिन में सब्जी नहीं आई है, गोश्त तो छोड़ो, नमक डाल के मुझे खा जा। आप हैं तो हम हैं। सर, मुझे लगता है कि TRP बढ़ाने के लिए हमें कुछ पाथ ब्रेकिंग करना पड़ेगा। रॉय, यू आर गोइंग टू थैंक मी।
हाँ तुम कुछ बोल रहे थे पीटर। सर मुझे लगता है कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा सर। अरे भाई तुम हर बार बोलते हो, पर नया क्या? सर सर आपने पढ़ा होगा कि क्या कहा था? हाँ क्या कहा था? अब आई वांट टू डू समथिंग फॉर वुमेन। इंटरेस्टिंग क्या इसमें, कौन देखेगा? सर सुनिए तो सही, हम इसमें एक ओरिजिनल ट्विस्ट डाल देंगे सर। आई एम लिसनिंग। सर हमारे न्यूज पीस की हेडलाइन होगी कि मंच पे किया बवाल, कहा आई वांट टू डू वुमेन, सर बाय गॉड रेज हो जाएगा सर। क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बाद में सारा ब्लेम एडिट पे डाल देंगे सर। सुपर, वी आर सेफ। रेज नहीं, राइट हो जाएगा इडियट, गेट आउट। गुड फॉर नथिंग सर, आउट। ओके सो रजत तुम कुछ कह रहे थे? सर मेरा आइडिया, पीटर ने बोल दिया है सर, ऐसा हमेशा होता है सर, मैं यही तो बात करने आया था आपसे। गेट आउट सर, गेट आउट सर, मेरा आइडिया। गेट आउट, जाना यार जाना। हमारी किस्मत बुरी नहीं है, लोग गलत रखे हुए। क्या बे, मेरा आइडिया था। चल बे चल, बट मेरा आइडिया था बे, चल फट। साला सबको बोल दूंगा मेरा आइडिया था, चोर करेगा। अरे जा बोल साले, तेरे जैसे कितने देखे। कैसा लगा आइडिया? रबिश आइडिया। व्हाट डू थिंक नेहा? सुसाइडल, स्टूपिड, अट गार्बेज, आई कुड गो ऑन एंड ऑन। सी हमारी किस्मत खराब नहीं है। नेहा को क्या पता? रॉय आपने शायद ध्यान से नहीं सुना है। मैंने सुना और दिमाग में इसको इमेजिन भी किया, और इमेजिनेशन के आखिर में देखा कि हम दोनों मरे पड़े हैं। Hence, rubbish. रॉय आज तक डी का एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी बिग, जो बिग। डी का इंटरव्यू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे रीजन है। ही इज डेंजरस, ही इज इम्पॉसिबल। अरे जानलेवा आइडिया ही। हर बड़ा आइडिया शुरू में जानलेवा ही लगता है। शायरी मत सुनाओ यार, तुमको चैनल को बचाने का आइडिया लाने को बोला था, एंड दिस इज व्हाट यू कम अप विद। कल तुम बोलोगे कि सईद हफीज का इंटरव्यू चाहिए, हाँ परसों बोलोगे कि वो वीरप्पन, वीरप्पन के चचेरे भाई का इंटरव्यू चाहिए। अरे पागल हो गया क्या? रॉय आप ये कह रहे हो, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा किसी ने किया नहीं है। गोइंग बाय द हिस्ट्री, इन 1959 द फेमस ब्रिटिश जर्नलिस्ट ग्राम स्मिथ ने ऐसा किया था, क्वाइट सक्सेसफुली। उसने डी का इंटरव्यू लिया था। 1959 में डी नर्सरी में था, कोई बच्चे का इंटरव्यू क्यों लेगा? उसने इटली का वो फेमस माफिया किंग फाबियो कास्टेलानो को इंटरव्यू लिया था, द वन एंड ओनली इंटरव्यू विद हिम। क्या हुआ उस ग्राम स्मिथ का? वो मर गया। देखा, हार्ट अटैक से मर गया वो, नेचुरल डेथ। क्या हर बात में देखा। एनीवेज बैड आइडिया, यू गेट आउट एंड गेट थिंकिंग। और मुझे भी सोचने दो। हां ये वाला प्लान जो है, आप भी सोच के देखो रॉय, ये टीआरपी रेटिंग्स बहुत पीछे रह जाएंगे। This will make us legendary. There'll be no stopping us. दरवाजा उस तरफ है, माफ करो रॉय। नेहा तुम बोल दो। The fashion segment, yeah? हमारी किस्मत ही बुरी है। You'll be okay. अरे गुड आफ्टरनून मिस्टर चोपड़ा, वी आर ऑन इट, यू डोंट हैव टू वरी सर। सर मैं मानता हूं ये बात मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, बट दिस टाइम आई मीन इट सर। नहीं सर पहले भी मीन करता था, पर इन सब चीजों में टाइम लगता है सर। आई नो सर मेरे पास टाइम कम है, सिर्फ 2 महीने। सर हम कुछ नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर रेटिंग्स विल बी बैकअप इन नो टाइम। ट्रस्ट मी सर, वी विल टर्न थिंग्स अराउंड। सर ये 2 महीने वाली बात आप पहले भी बोल चुके हैं सर। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। आप जितनी बार चाहे बोलें। ओके गुड डे सर। Yeah, Roy. Arnav, go ahead with the interview.
आइडिया के बारे में मैंने सोचा, ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या? अरे मेरे पास आइडियाज हैं। उन्हीं से तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। अब सुनो तो, वी विल प्रोवोक हिम। अच्छा हाँ। कैसे? डी को सबसे ज्यादा घमंड किस बात का है? मनी, पावर, स्टेटस एंड द फैक्ट कि लोग उससे डरते हैं, करेक्ट? तो हम उसका घमंड तोड़ेंगे। वी विल चैलेंज एवरीथिंग, मनी, पावर, स्टेटस, एवरीथिंग। उसे क्या होगा? दैट विल मेक हिम मोर एंग्री एंड दैट्स नॉट गुड एट ऑल। होगा, आई एम टेलिंग यू, आप देखते जाओ ना। एक मिनट, आई डोंट वॉन्ट द चैनल टू बी एनी डेंजर, अर्नब, समझ गया? जहां अर्नब वहां डेंजर, जहां डेंजर वहां अर्नब। शट अप, आई हैव दिस फिगर्ड आउट, कम ऑन चैंपियन। रम्मी जी। सर मैं तो चाय लेके आने ही वाला था। चाय नहीं, भाई कहाँ है तुम्हारा? यही है सर। क्या हुआ, उसने फिर से कुछ कोरियर कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, दो मिनट में से यहाँ बुलाओ। दो मिनट में नहीं आ पाएगा सर। क्यों? क्योंकि दो सेकंड में आ जाएगा सर, यही है। ओ चुस्सी आ जाओ। ये क्या कर रहा था सर? वो खराब हो गया था सर। छोड़ छोड़। हाँ जी नेहा, वेयर आर यू? I need to see you immediately. Okay, चल मैं आ रहा हूँ। हाँ। पारुल को जरा भी पता नहीं चलना चाहिए। You know it, right? वो सब तो बाद की बात है। पहले तुम ये बताओ। Why should I do it? अब इसमें कोई scientific reason तो है नहीं। Just do it for old time's sake. Oh, for old time's sake, huh? Yeah. पिछले महीने जब मैंने तुमसे फेवर मांगा था, तब old times कहाँ गए थे? हम्म? तुम पागल हो गई हो। You wanted to have sex with me. और मैं तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू की स्क्रिप्ट लिखने के लिए कह रहा हूँ। फर्क है। क्या फर्क है? तब मैं डेस्परेट थी, आज तुम डेस्परेट हो। ये घटिया रीजन दे के अपने आप को सही प्रूव मत करो प्लीज। एंड व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू लिखूंगी। थैंक्स। एक मिनट, आ गया वो एक मिनट। अब ये स्ट्रिप्टीज बंद करो प्लीज। पहले मेरे दो कंडीशंस हैं। पहले तो तुम मुझे अपने साथ इंटरव्यू के लिए ले जाओगे, एंड यू विल मेंशन माय नेम ऑन लाइव टीवी एंड गिव मी क्रेडिट फॉर इट। क्या कह रही हो? मैं सड़क के पिल्ले का इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं। बात की सीरियसनेस को समझो। आई एम गोइंग टू इंटरव्यू डी यार, इट्स रिस्की। ठीक है, तो फिर मुझे और भी काम है। आई सी यू सम टाइम। सुनो। ओके गुड। अब सेकंड कंडीशन। अब कुछ नहीं, डन। और कुछ नहीं। इंटरव्यू के बाद आई वॉन्ट यू फॉर वन नाइट। आर यू क्रेजी? देख लो, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू है। मैं इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज राइटर। नो नो, यू कैन थिंक ओवर इट एंड लेट मी नो। सुनो। ओके। रियली? अब जान तो दांव पे लगा ही चुका हूं, इज्जत भी सही। Hey. Good news है। Really? I thought good news सिर्फ मैं देने वाली थी। I didn't know you also. What? Roy has agreed. I'm going to interview D. What? Yes, baby. Oh my God. That is so cool. No. Yes, no, baby. No. Go and do your work. Go and get started. Come on. Huh? Come on. No. ये काम नहीं, काम हुआ है, जाओ. Okay, let me make a drink then. Okay.
दिस। वो क्या है ना मैडम, हमारा एक उसूल है कि हम अपने ठेले पे सिर्फ फीमेल चीजें ही बेचते हैं, इसीलिए लेडी फिंगर के साथ मछली और मछली के साथ अरबी और अरबी के साथ लौकी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेकिंग के वीडियो में काम आएगा। स्टूपिड। क्या कोइंसिडेंस है ना मैडम, मेरे ठेले की सब्जियां भी हरी हरी, आपकी ड्रेस भी हरी हरी, और आपको देख के ना मेरी तबीयत भी हरी हरी हो गई। शट अप, शट अप। अभी शूट शुरू नहीं हुआ है, नॉर्मल रहो। चाचा, ज्यादा हरा हरा हो रहा है। एक एक पड़ोस के मुल्क में थोड़ी बैठे हैं, इंडिया दिखना चाहिए इंडिया। अरे रोलिंग, 3, 2, 1 एक्शन। मैं हूँ इस वक्त डोंगरी की सब्जी मंडी में, जहाँ पे सब्जी की सबसे बड़ी रेडी लगाते हैं असलम चाचा, वो हमारे साथ बने हुए हैं। आज छोटी रेडी लगाई है इन्होंने। असलम चाचा, अगर मछलियों को होश आ गया हो तो शुरू करें। जी 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 जनाब। हमने सुना है कि मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन डी आपके यहाँ से सब्जियाँ खरीदते थे, क्या ये बात सच है? खरीदता था? खरीदता नहीं था, मुफ्तखोर, मुफ्त ले जाता था। ओ, तो आपका मतलब इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन डी सब्जी चोर था? कौन कौन सी सब्जियां चुराते थे वो? वैसे तो 55 सब्जियों की रेडी है हमारी, लेकिन डी सिर्फ पालक ही ले जाया करता था। ओ, यू वांट टू से ही वाज इनटू ग्रीन वेजेस? नो सर, ग्रीन वेजेस वर इनटू डी। हिंदी उर्दू बोल लेते हैं? बिल्कुल, मतलब फुंसियों की भारी तकलीफ थी उनको। ओ, तो आपका मतलब पाइल्स? अब शब्द बदलने से कोई तकलीफ थोड़ी ना कम हो जाएगी। तो क्या पालक खाने से बवासीर ठीक हो जाती है? खाने से नहीं जनाब, लगाने से। तो जैसा कि आपने देखा, असलम चाचा ने बताया कि उनके लिए ये एक सब्जी की दुकान कम और टी के लिए दवा खाना ज्यादा थी। अपना रिस्पॉन्स भेजने के लिए ट्वीट कीजिए #truthaboutdi। कितना ओवर एक्टर है रे तू। चलो सर, सर अर्नब को उसके लेटेस्ट मीडिया स्टैंड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जरूर उसकी कोई पुरानी साठ गांठ है उस डी के साथ, ये कोई गेम है जो दोनों मिलकर मेरे साथ खेल रहे हैं। मगर सर, काफी दिलेरी की बात है कि एक रिपोर्टर ने खुले एमडी को ललकारा है, इसके बाद इस बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? रास्ता छोड़िए, मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, अर्नब ने आपकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? रास्ता छोड़िए, मैंने कहा ना। सर, सर जवाब देते जाइए सर। सीधे बैठो, मुझ ठीक करने दो तुम्हारी। मैडम। क्या? माई चीज सौगंध। What? मेरा मतलब, माँ कसम, जब आप मेरे गालों को हाथ लगा रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे तेज छुरे पर गरम गरम मक्खन डल गया। शट अप। याक। रेडी तू? ओके, लेट्स गो। इस वक्त मैं हूँ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने और हमारे साथ है सीनियर कांस्टेबल दोगले, आइए उनसे बात करते हैं। दोगले साहब, सुना है कि डी ने अपनी जवानी में काफी वक्त गुजारा इस पुलिस स्टेशन में। जवानी में कहां, बचपन से यहां आया करता था जी। कभी साइकिल का टायर पंचर किया, कभी पड़ोसी का ताला तोड़ दिया। माँ कसम, बड़ा अजीब किस्म का झोलर था। तो आपका कहना है कि डी ने इस हवालात में काफी वक्त गुजारा है? अरे हवालात में कहां, उसके बाजू वाले 4x4 के कमरे में काफी वक्त गुजारा है। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे नए नए और बिगड़े हुए लौंडों को हम प्यार से सुधारते हैं। ओके, तो आपने डी को बड़ा कूटा है मतलब? एक बार तो मैंने उसे जाने दिया था, साले की काफी खबर ली थी। ओके। एक दिन तो उसका बाप खुद ले आया था उसको मेरे यहाँ। ओके, और बताइए। और तो सब बढ़िया है, बीवी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, लड़का छोटा मैट्रिक में फेल हो गया है, बाकी सब तो चलता रहता है। लड़की वाली बात बोल, बंद करो एक्टिंग। हाँ जी। हाँ, याद आया, एक बार लड़की छेड़ने के मामले में भी यहाँ लाया गया था। तो डी ने लड़की छेड़ी थी? अरे छेड़ी कहाँ, कोशिश की थी। लड़की ने भी 2-3 रपेट रपेट के ऐसे ताने मारे और रईस ही बेचारे को लिया यहाँ थाने में सुधारने। उस दिन बहुत तरस आया मुझे उस पर, मारने का बिल्कुल मन नहीं किया। ओ, तो फिर आपने डी को नहीं मारा? अरे कहाँ साहब, उस दिन बीवी से झगड़ा करके आया था जी। अब आलू गोभी की सब्जी में कोई लहसुन डालता है भला? डालता है? हाँ, नहीं डालता, बहुत मूड खराब था, हाथ उठ गया बीवी पे। अरे बीवी पे, ऐसी हमारी कहाँ औकात भैया, डी पे। अच्छा। हाँ, उस दिन साले को कान के नीचे 2-3 मारने का मन किया,
और एक मिस होके आँख के नीचे लग गया। ओ। वो जो चश्मा पहने फिरता है ना आजकल, मेरे हाथों की निशानी छुपाने के लिए। बहुत लोग जानते नहीं है इस बारे में। तो अभी आपने सुना, दोगले का कहना है कि उन्होंने जो डी की आंख के नीचे एक दिया, उसके ऑटोग्राफ आज भी यहाँ मौजूद है। सवाल यह है कि क्या वो ऑटोग्राफ आज भी है? अपना रिस्पॉन्स ट्वीट कीजिए #truthaboutdee #कंबलपिटाई। भाई। हाँ बोल। कैसे बोलूं, सर मारी है। ऐसी भी क्या बात है, नसबंदी करा के आए हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो, तौबा 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 तौबा। ओ आपको लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है ये सोशल मीडिया पे। किस बारे में? जो वीडियो डाल रहा है उस पे आपके बारे में। नहीं मतलब वो उसमें एक सब्जी वाला है, उसका कहना है कि आपने उसकी सब्जी चोरी की थी, और एक ये पुलिस वाला है, वो उसका मानना है कि वो। अरे शायरी क्यों कर रहे हो यार, ठीक से बोलो ना। नहीं भाई, वो मतलब वो पुलिस वाले का कहना है कि उसने आपकी कस के धुलाई की थी। नहीं मतलब वो उसका कहना है, वो हौलदार। देखो वीडियो देखो। अरे नहीं 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 भाई। अरे नहीं भाई मतलब, अरे लाओ ना यार। ये क्या है, ये तो बंदूक की कोई दुकान लग रही है भाई। ये तो नई वाली है, मैंने भी नहीं देखी थी ये। मैं हूँ इस वक्त जुबेर आर्म्स के प्रोपराइटर जुबेर साहब के साथ। जुबेर साहब मैं आपके साथ हूँ। हाँ जी, ये डी ने पहली बार आपके यहाँ से गन खरीदी थी क्या? जी जनाब, दरअसल बंदूकों की मरम्मत के लिए हमें गन ऑयल की जरूरत पड़ती थी। ओके। और वो हमें पिक्चर भी अच्छा है और साउंड भी अच्छा है। क्या सप्लाई किया करते थे? सप्लाई किया करते थे। तो ये एसोसिएशन कब तक रहा आपका उनके साथ? ज्यादा देर नहीं चल पाया, पर बात ऐसी है कि वो माँ लक्ष्मी के गोडाउन से तेल चुरा कर हमें सस्ते भाव में बेचा करते थे। 2-3 महीनों तक चला होगा ये सिलसिला। उसके बाद क्या होना था, दोगले साहब आए जी और उठा के ले गए। ओके। वो तबीयत से धोया है ना उसे, बस उसके बाद इक्का दुक्का दिखे होंगे इधर किधर। जी जब भी आपको इक्का दुक्का दिखे तो आपकी क्या बात हुई उनसे? एक बात बताइए जी, जिस्म का टूटा हुआ आदमी कभी बोलता है? बोलना बहुत चाह लेकिन उन्होंने, हाँ लेकिन सूजे हुए होंठों से शायरी निकली है कभी भला? निकली है? नहीं निकली है। ओके। बस इतना इतना ही कह गए, ये धंधा अब हमसे नहीं हो पाएगा। जी पहली बंदूक आपसे कब खरीदी थी उन्होंने? 1989। जी दो दोस्तों के साथ आए थे, 3 हैंडगन और 2 पिस्टल खरीदने। तो क्या प्राइस रहा होगा 3 हैंडगन और 2 पिस्टल का? अरे कहाँ बिकी जनाब, दरअसल बात ऐसी है, हमारे इस गोडाउन के पीछे हमारा एक मैदान है जहाँ बंदूकें टेस्ट की जाती हैं। अब ये भाई साहब को भी हम वहाँ ले गए टेस्ट कराने के लिए। मानेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था गधे के हाथ में संडासी दे दियो। ना गन के सर का पता ना पैर का पता, फिर भी कहेंगे कि हम चलाएंगे। मैं क्या चला लीजिए भाई, हमें भी तो बिक्री करनी थी। बस फिर क्या था, गन उठाई बंदूक चलाई, बंदूक के वजन से कलाई मुड़ गई और निशाना चूक गया। निशाना तो चूक नहीं था। बिल्कुल सही कहा जनाब, लेकिन निशाना लगा बाजू वाली दुकान के छत पे। अच्छा। छत 3 की थी, 3 कारीगर मर गए। ओ। होना क्या था, ना चाहते हुए डी ने अपना पहला मर्डर कर दिया। अच्छा फिर क्या होना था, बस हमने कहा फटाफट निकल जाओ इससे पहले कि लाशें बिछ जाए। फिर क्या होना था, फिर दोगले साहब आए और ले गए। बस फिर क्या बोला। तो इस तरह से डी ने किया अपना पहला मर्डर। तो अपना रिस्पांस देने के लिए हैशटैग ट्वीट कीजिए #truthaboutdee #गोली के पीछे क्या है। कौन है? तू पता लगा गिरधारी जी, इसकी तुम मैं आराम से भाई, बीपी बढ़ जाएगा। पता लगा तो पता लगा जी, जी, जी। वैसे भाई क्या वैसे तो और वीडियो है। क्यों हंस रहे थे भाई? आप हंस रहे थे। हेलो। हाँ
अबे बिल में उंगली डालने के पहले सोच लिया होता कि बिल चूहे का है कि सांप का। कौन बोल रहा है? 3 दिन से तू नाटक किए हुए ट्विटर पे, तुझे पता नहीं मैं कौन बोल रहा हूँ? डी। अबे डी, तुझे पर्सनली फोन करेंगे तो आप कौन बोल रहे हैं? ये जरूरी नहीं है मैं कौन बोल रहा हूँ, जरूरी ये है कि तू जो नाटक कर रहा है ना उसको खत्म कर दे, नहीं तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझे खत्म करने में। ये नाटक बंद नहीं होगा, इंडिया फ्री कंट्री है, यहाँ आजादी है बोलने और दिखाने की। ओए फ्री कंट्री, ग्लोब पे उंगली रख ले, कंट्री तो सब है, फ्री कोई ना हमारे लिए। ये जो दिखा रहा है ना झूठ है, बंद कर इसको। क्या क्या गलत है उसमें? कांस्टेबल और भाजी वाले की मानो तो सब सच है। ए, मरेगा तू और तेरे भाड़े के एक्ट्रेस, समझ लेना। तू समझ नहीं रहा है, ये नाटक बंद नहीं होगा। तू मुझे गोली मरवाना चाहता है ना, मरवा दे। तुझे मुझे मरवा के क्या हासिल होगा? देख, सोशल मीडिया पे एक बार कोई कांड हो जाता है ना तो उसकी आवाज सदियों तक गूंजती है। तेरे भाई की इज्जत का फालूदा तो होना ही होना है। हाँ, एक ऑप्शन है। अच्छा, केबी से खेल रहा है मेरे संग? भाई से बोलो मुझे पर्सनल इंटरव्यू दे, जो सफाई देनी है उस इंटरव्यू में दे, उसको टेलीकास्ट करने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है? ए, तेरी फूफी चाची मौसी खाला तू। भाई गाली मत दे, मेरा काम करना। अब अगला कॉल तभी करना जब भाई इंटरव्यू के लिए मान जाए। ओके। ए, हेलो ते तो ये सारा हंगामा उसने इंटरव्यू के लिए मचा रखा है। जी भाई। हाँ बोल दे। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ बोल दो उसको। कैसे? मौका है गिरधारी, बहुत हो गया मजाक। जो कल तक डरते थे आज हंस रहे हैं। सबको ये पता होना चाहिए कि D4 डर होता है। भाई आप मतलब इंटरव्यू देंगे, टीवी पे आएंगे, उसको यहाँ आना ले जाना सियापा हो जाएगा, पर सिक्योरिटी का रिस्क है इतना। कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है गिरधारी, उसे सिर्फ लाना है। मतलब? मतलब ये कि तू इंटरव्यू के लिए हाँ बोल दे, मैं उसे लाइव टीवी पे मारूंगा। हेलो, कल दोपहर 3:30 बजे पिंडी बाजार, अकेले आना। कौन बोल रहा है? तेरे को इंटरव्यू चाहिए ना तो पहुंच जाना। टिंडे बाजार ना? भिंडी बाजार। आलू बाजार ना? और भिंडी बाजार सुनता नहीं क्या? हाँ हाँ भिंडी बाजार, लेकिन भिंडी बाजार में कहाँ? हेमंत जनरल स्टोर में 100 ग्राम इलायची मांगना। 200 ग्राम ना? 100 ग्राम इलायची। इलायची ठीक है, भिंडी बाजार राइट? हाँ भिंडी बाजार। ओके। रॉय माय बॉय, वी आर इन इलायची, आई मीन वी आर इन बिजनेस। यस। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, ये देखो इलायची। वो तो मैंने ही मंगवाई थी, घर में खत्म हो गई थी ना। ये लो, खीर बनाने में काम में आएगी। तुम्हें वहाँ सिर्फ 4 आदमी को लेकर जाना है, मुझे पहले ही बताना। ये लो। ठीक है, ये तुम्हारे टिकट हैं। वहाँ पहुँचने से पहले इसे खोलना मत, समझ तो गए होंगे क्या आफ्ताब भाई ने भेजी है। जाएंगे कैसे? राजस्थान में बीकानेर के पास एक बाहिद गांव है, वहाँ परसों 4 बजे दोपहर को पहुँच जाना। काली माता के चौक के पास तुम्हें एक चाय की टपरी मिलेगी, वहाँ पे उड़ता चिकन बुलेट चाट लेना है। भैया 4 उड़ता चिकन चाट देना। कॉफी विद टी में दम है तो पी, कॉफी में टी।
में दम है तो पी कॉफी विद टी। ओ भाई, आफताब भाई की निशानी मिल गई। लौंडे सही हैं। आंखों पे पट्टी नहीं बांधेंगे सर, जिससे मुझे रास्ता दिखाई ना दे? देख ले, कोई बात नहीं, आते हुए तो तू वैसे भी नहीं देख पाएगा। क्यों जी? क्योंकि आते वक्त तो तू बॉडी बैग में आएगा ना। हाँ भाई, मतलब कौन है? अच्छा अच्छा, मैं। वो क्या बेच रहे हो आजकल, सब्जी दुकान? मेरी कोई दुकान नहीं है सर, मैं मेकअप मैन हूँ सर। अच्छा अच्छा, चुप रहे, सब्जी दुकान। ओए मैडम, ओए, फोटो नहीं। क्यों? मोबाइल अंदर, नो फोटो। सॉरी सॉरी। उस दिन तो फोन पे बड़े शेर बने हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे निकल के मारोगे हमें। आज तो घबराए हुए दिख रहे हो ऐसे। अब तक पहुंचना था, वरना मेरा आपसे क्या मुकाबला? मतलब डी सर से अभी मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, बाद में आराम से। ये आपकी वाइफ है? नहीं, सिस्टर है। ना ना, गुलाम को गिरधारी कहते हैं। अब हाथ मिला लो या बैग ही दे दो। हेलो, चलिए चलो। अंडा पाओ। नहीं चाहिए। चल, अभी बहुत गुस्से में हूँ, चल चल। ए, वीडियो बना। हाँ, हाँ, बना, 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 जल्दी बना। तो हाथों सीधा कर अपना। हाँ, क्या सीधा है, चल। ऐसे ऐसे। हाँ, ये फोकस सीधा रख। हाँ, फोकस उधर रख, रख रख फोकस पूरा। हाँ, ए बंसाली, अभी क्या 3.5 घंटे की फिल्म बनाएगा? एक छोटी सी लव स्टोरी बनाना। हो गया, हो गया, चल चल अभी, चल चल चल। हाँ चल, हाँ, चल। ये उधर नहीं, इधर चल, इसको बोल उठा 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 उठा। हाँ, ए, चल, चल, अंदर चल, अंदर चल। हेलो, आपको तो सीबीआई में डायरेक्टर होना चाहिए था मिस्टर रॉय। हु इज दिस? मैं सीबीआई का डायरेक्टर बोल रहा हूँ, यू फूल। पाकिस्तान का कोई लीगल मैटर जो आपने अपने लोगों को वहाँ भेज दिया है? अरे सॉरी सर, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। मैं आपको फोन करने वाला था, देन आई रियलाइज के आप वही घिसी पीटी बातें करोगे, है ना, कि डी का फोन टैप करवा दो, या फिर उसके कुछ इंटरनल फोटोज भेज दो, हाँ, या फिर उसको जहरी दे दो। भाई मेरा लड़का अपने काम से भटक जाता ना सर। तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है सर। जो काम आप ना कर पाए और हम कर दें तो वो बेवकूफी हो गई, ये तो गलत है ना सर। यू इडियट, तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? इसकी वजह से सर, सॉरी सर, मुझे फोन रखना पड़ेगा, बहुत काम है यहाँ। सर हम आराम से बैठकर बात करेंगे कभी, ठीक है? आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हमारे स्टूडियो आ जाइए ना, आपका इंटरव्यू भी ले लेंगे। हाँ ओके सर। पागल कहीं का, जानता हूँ कि तू बहुत डरी और सहमी हुई है। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना बात के मैं किसी पर हाथ नहीं उठाता। कारपेट है, दिखता नहीं है क्या? गंदे जूते लेकर आ जाते हैं। ए, लगता है तेरे को मालूम नहीं हम किसके आदमी है। इडियट, तू जिसका आदमी है ना, वो भिंडी बाजार में इलायची बेचता है, और वो जिसका आदमी है ना, उसे मेरा हस्बैंड पर्सनली मिलने गया है। अब तू देख ले तेरी स्टैंडिंग क्या है। जूते उधर करो और जाके बैठ जाओ। ओके। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ? अरे पहले जूते उतारो ना। उतारते उतारते। ओके ओके। ए मलिका ए हुस्न, तू हमको कुछ ज्यादा ही लाइटली ले रही है, जानती है क्या है? जूता है। भाई गन, वो तब से चाकू चाकू खेल रहे थे, सीधा रख। क्या जानती है ये गन, और वो भी एकदम असली घोड़ा। तो रख देना यार साइड पे, चल जाएगी। हाँ। ए काइको, देख तुझसे चली ना तो ये बल्ब फूट जाएगा, और मुझसे चली ना तो गॉड फॉरबिड तुम्हारा क्या होगा पता ही नहीं। लगता है तेरी मौत की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। बरोबर है? बरोबर है। हेलो। हाँ बोल। अरे ये क्या औरत है,
मुझे बोल रही है, मेरी गन से मुझे मार डालेगी। अरे इसे समझाओ मैं कौन हूँ। आई एम कौन मैं भी कौन हूँ बताओ। अरे तुम लोग ज्यादा मत उलझो, सिर्फ निगरानी करनी है, कुछ और करना नहीं है। अरे वही तो, अभी अच्छा हुआ ना आपसे बात हो गई, वरना आप तो जानते ही हैं, अगर मेरी खोपड़ी सटकती ना तो ये औरत अभी तक अल्लाह को प्यारी हो चुकी होती इंशाल्लाह। आमीन। अबे रहने देना भाई, तेरे से एक मच्छर तो मारा नहीं जाता और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम लोग चुपचाप निगरानी रखो और अल्लाह के लिए इज्जत का और फरूदा मत करवाओ। अरे तू चुप करना रे। अरे भाई भाई आप नहीं, आप तो सुनो ना। अरे भाई आप नहीं सुनिए। ए आफताब। अरे इनको समझाओ ना यार, बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। बेसिक हाइजीन नाम की चीज नहीं है ये तो, गंदे जूते लेके कारपेट पे चढ़ गया और दूसरा तंबाकू खा खा के हाय हाय पूरे घर में स्मेल कर दिया इन लोगों ने। हाँ दरअसल वो मसाला बहुत खाता है इसलिए। हाँ तो समझाओ भाई, ये कोई तरीका है सोफिस्टिकेटेड लोगों के घर में ऐसे बिहेव करने का? हाँ और एक बात और, इनको बोल देना मेरे सामने ड्रामा ना करें, मुझे सब पता है, सिर्फ निगरानी के लिए रखा गया है, कुछ करने के ऑर्डर्स नहीं है इनके पास और ना ही इनकी औकात। सबको मालूम है यार, क्राइम पेट्रोल एपिसोड 591 सीजन 2 यूट्यूब पे देख लेना। चल रखती हूँ, ले क्राइम पेट्रोल देखते हैं। ठीक है चलो। वो देख, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके प्लीज। अंडरवर्ल्ड में मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज प्लीज डर जाइए, थोड़ा सा डर जाइए, थोड़ा तो डर जाइए, एक वीडियो बनाने दीजिए प्लीज। भाई क्या है उधर, मैं कुछ बोलूं? हो गया? हाँ। वीडियो बना। अच्छा करो, थोड़ा डर लो। अर्णव अर्णव मुझे बहुत डर लग रहा है अर्णव, इन्होंने मुझे नजर बंद कर लिया, प्लीज सेव मी अर्णव, प्लीज आई एम वेरी स्केयर्ड अर्णव। अर्णव मेरा हाथ पकड़ रहे हैं अर्णव, प्लीज सेव मी अर्णव, छोड़ो। काफी है काफी है, चल बहुत है चल। अच्छा घर बनाया भाई ने। ये जो आप खड़े हैं ना, बम है? नहीं नहीं वो इटालियन टाइल्स है, इंपोर्टेड। ठीक लगा? अच्छा वो देख रहे हैं, वो जिसने बनाया भाई ने उसका हाथ काट दिया। वो क्यों? अरे अजूबा एक पीस रहे तभी अजूबा होता है ना, शाहजहां की तरह। हाँ। इंटरव्यू कब तक करेंगे सर? हाँ? इंटरव्यू? अरे अभी कुछ खाओ पियो कर लेंगे इंटरव्यू। क्या लेंगे आप, वेज नॉन वेज? नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ खाओ खाओ बोलो। रस्ते में चिकन खा लिया था। ओ अच्छा अच्छा, नहीं वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है वो, बकरे को हलाल करने के पहले हम लोग खिलाते पिलाते हैं खाना। कैसा लगा घर? अच्छा 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 है ना। वो जो तुम बंबई में रहते हो अपना घर है या रेंट पे? ईएमआई पे। बढ़िया है वो घर भी, बढ़िया है, पर्दे भी अच्छे हैं, भाभी जी भी खूबसूरत हैं। आपको बड़ा शौक है ना कॉमेडी वीडियो बनाने का, दिखाने का है? एक थ्रिलर है देखो। मेरा हाथ पकड़ रहे हैं यार ना, प्लीज सेव मी। ऐसा मत कीजिए प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होगा इनको, ये सिर्फ टीजर है। आपके भाई के साथ इंटरव्यू में कोई बदतमीजी नहीं करोगे उसके लिए, नहीं तो फिर हम क्या इसकी फिल्म आएगी, इसके 1 2 3 सिक्वल भी ला सकते हैं। हाँ जी, वैसे इनको कुछ नहीं होगा, बस रेफरेंस के लिए। वो कहाँ है वो? रमी इधर। अच्छा ये कहाँ है? बाथरूम। हाँ। इधर आजा भाई, चाय पिएगा? हाँ हाँ चाय का तो मैं शौकीन हूँ, बढ़िया सी चाय पिलाइए। तनवीर चाय लाना, रुक जा अभी। और कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। थोड़ा कर वो जो करता है तू। हाँ हाँ मेकअप। हाँ तो आप भी जाएंगे ऑन एयर इंटरव्यू में? ऑन एयर? मतलब भाई ऑन एयर में जाएंगे? अरे नहीं भाई, वो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट टीवी में। अच्छा अच्छा आऊंगा आऊंगा करो। अच्छा उसको बुला कैमरे वाले को। ओ चुस्सी इधर आ भाई, इधर आ। हाँ भाई। हाँ इधर आ भाई। ठीक लग रहा है ना? बढ़िया बढ़िया। इधर आ चल, और चुटकुला सुना रहा हूँ इसको, उसमें कर। हाँ? कैमरा में रिकॉर्ड। हाँ बोले। हाँ बोलो। एक बंदा था
वो अपनी नई लवेली बीवी को लेकर घोड़े गाड़ी पे जा रहा था। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। तो घोड़े के पैर के नीचे एक पत्थर आया और वो घोड़े ने थोड़ा ऐसा झटका खाया, बीवी को धचका लगा। बंदे ने बोला वो एक हाँ। फिर थोड़ी देर बाद घोड़े को फिर झटका लगा, फिर बीवी को धचका आया। बंदे ने बोला दो दो। कुछ दूर और गए, वही पत्थर वही धचका। बंदा पिस्तौल निकाला और घोड़े को ठाए 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 मार दिया। फिर बीवी चिल्लाई, कितने बेरहम इंसान है आप, मासूम जानवर को कोई ऐसे मारता है? बंदा बोला एक। कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। अब दिखाओ कैसा आया। देखो भाई बहुत बढ़िया है ना, अब इसको वो कर दे, डिलीट डिलीट है नहीं फोटोशॉप। अरे कम अकलू, वो क्या करते हो तुम लोग जो भाई के वीडियो का किया था वो अपलोड अपलोड फेसबुक पे अपलोड कर दे। वही कर दो, वही कर दे भैया, फेसबुक पे अपलोड कर। इसका ना इन्फेक्शन बना दो पूरा। भाई ये कोई वायरस या मस्किटो थोड़ी है जो इसका इन्फेक्शन फैला देंगे। तुमने भाई का कैसे फैला दिया था वीडियो? अच्छा अच्छा, वायरल वायरल। हाँ भाई भाई भाई, अभी इसका वायरस बना। अच्छा बन जाएगा। नेहा जी कुछ चुटकुला सुनाया है, सुन लीजिए ना। थैंक्स बट नो थैंक्स। अरे बहुत अच्छा है, इंतहाई मजा आएगा, सुन लीजिए। नहीं मैं ज्यादा जोक्स नहीं सुनती। फिर कुछ सीरियस सुनाओ। आई एम ओके थैंक्स। माँ कसम बहुत हॉट है। व्हाट? चाय है ना? हॉट है। आप लीजिए ना, चाय लीजिए। नहीं नहीं, आई एम ओके रियली, थैंक यू। रमी चुसे गोइंग टू बी ऑन एयर। बहुत प्यार से। अरे अच्छा चलिए ले लीजिए। नो थैंक्स। चलो चलो। बोलो क्या करूं, पीछे खौफ है आगे मौत है खड़ी। बोलो क्या करूं, पीछे खौफ है आगे मौत है खड़ी। एक सरवा गुंडा का इंटरव्यू क्या हो गया, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सरवा कराची में बैठा है, अब देखो यहाँ मुंबई में अपने नाम से पूरा भगदर मचा दिया है। देखो कैसे भाग रहे हैं लोग। अरे भैया गुंडा नहीं बोलो, डॉन डॉन बोलो। जी में दम है तो पी कॉफी विद डी। जी में दम है तो पी कॉफी विद डी। को भी नर्वस कर रही हूँ। Just finish this now. Okay, okay. Okay. Yeah. जी, शुरू करते हैं। Yeah. Ready? 3, 2. अरे एक मिनट। अरे गिरधारी जी, भाई को बोलो ना शर्ट बदल के आने को। क्या पहना है? कितना जिटर मारेगा ये कैमरा में? समझ कौन मारेगा भाई? नो। एक मिनट भाई को मारे? नहीं नहीं नहीं, वो ग्लिटर कौन है तुम में? बाहर धूप है, इनको गर्मी चढ़ गई है। ग्लिटर आया है मारने? वो शर्ट का कुछ होता है बट एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा ठीक है, प्लीज बैठिए। ठीक है सर, चुप कर। ओके ऑलराइट, गोइंग लाइव 3, 2, 1। वेलकम एंड गुड इवनिंग टू वन ऑन वन विद मी आदम घोष। आज का इंटरव्यू स्पेशल है फॉर टू रीजंस। वन, जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो कैमरा शाय हैं। उन्होंने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि सारी दुनिया की पुलिस मीडिया उनका इंटरव्यू लेना चाहती है। दूसरा, आज मेरा बर्थडे है, हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू हो। जोक्स अपार्ट, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द मैन द मिथ एंड द मोस्ट वॉन्टेड आउटलॉ ऑफ द वर्ल्ड डी। चलिए आज मैंने आपको इंटरव्यू दे ही दिया, आपका एक गिला तो दूर हुआ। आज आप इंटरव्यू दे नहीं रहे हैं, मैं ले रहा हूं। चलिए, लेट्स स्टार्ट अगेन। सलाम मिस्टर डी। वालेकुम सलाम। भाई, 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 भाई,
भाई तो बिगड़ ना कर उसकी माँ भाई भाई यार अपने आपके चैनल के पास मेरे अलावा कोई न्यूज नहीं है क्या दिखाने के लिए है लेकिन आप काम इतने बड़े बड़े करते हैं आपने वो वीडियोस तो देखे ही होंगे देखे और उनमें से कुछ एक्टर्स को तो मैं पहचानता भी हूं ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर डी दोज आर द रियल वीडियोस ऑफ रियल पीपल मिस्टर नहीं भाई कहो अपना सा लगता है मिस्टर से मुझे दुश्मनी वाली फील आती है एनीवे योर स्टोरीज आर लाइक अ ड्रग टू द इंडियंस वी कांट हेल्प इट तो मतलब ड्रग भी मैं दूं और एंटरटेनमेंट भी मैं ही दूं अर्नब भाई मिस्टर अर्नब कहिए भाई से मुझे गुंडे वाली फील आती है और इट्स नॉट एंटरटेनमेंट इट्स कॉल्ड न्यूज अच्छा भाई गिरधारी गिरधारी डिड आई हियर दैट करेक्टली हाँ गिरधारी ये इन्हें हम प्यार से गिरधारी सेक्युलर बुलाते हैं और ये है मेरे सबसे अहम एसोसिएट आपकी जबान में कहूं तो सीईओ ये मेरे सबसे खास आदमी है और वो है मेरी सबसे खास औरत मगर गिरधारी आई एम सरप्राइज्ड कि आपके सीईओ एक वहां मत जाओ वरना इंटरव्यू वैसा हो जाएगा व्हाट डू यू मीन कैसा हो जाएगा घटिया पॉलिटिकल रैली जैसा एज यू विश वरना ऑनेस्टली मुझे वहां जाने में बहुत इंटरेस्ट है हाँ तो गिरधारी जी भाई वो पिछले हफ्ते क्या न्यूज आई थी इनके न्यूज चैनल पे मेरे बारे में ब्रेकिंग न्यूज भाई इन्होंने कहा था कि मतलब आप कराने के लिए बैंकॉक गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो फैसिलिटी है ही नहीं हाँ हाँ अब ये बताओ अर्नब भाई ये कोई बात है बोला मैं पिछले 3 महीने से इस जगह से हिला भी नहीं हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है उस दिन पाकिस्तान बैशिंग करनी जरूरी थी पॉपुलेशन कंट्रोल गाइज वांटेड टू रन अ स्टोरी फॉर देम और ऊपर से आपके भी पाकिस्तान होने ना होने के रूमर्स चलते रहते हाँ तो मैं समझा नहीं कुछ तो स्लॉट्स कम थे हमारे पास चीफ एडिटर ने एक ही न्यूज में तीनों स्टोरीज कवर कर दी आपने हेडलाइंस तो सुनी ही होंगी पाकिस्तान में नहीं की सुविधा डी को जाना पड़ा बैंकॉक व्हाट्स रॉन्ग विद दैट ये चीफ एडिटर को भी बुलवा लेना चाहिए था भाई मैं आई आस्क यू क्वेश्चन आई होप आप मुझे यहां से जिंदा जाने देंगे आपको शक है नहीं भाई मुझे यकीन है कि आप वैसा कुछ नहीं करेंगे कैसा कुछ नहीं करूंगा घटिया गुंडों वाली हरकतें तो भाई सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इतने बड़े गैंगस्टर कैसे बने एक बार बोल दिया दोबारा मत बोलना मैं गैंगस्टर नहीं हूं डॉन हूं क्या समझे अच्छा व्हाट्स द डिफरेंस आपने कभी सड़कों पे शूट आउट होते हुए देखा है नॉट रियली बट पुलिस से सुना है हाँ तो जिनका शूट आउट होता है गैंगस्टर वो होते हैं और डॉन आपने कभी इन शूट आउट्स को प्लान करने वाले मास्टरमाइंड के बारे में सुना है नॉट रियली रूमर सुने हाँ तो जिन मास्टरमाइंड के बारे में आपने रूमर सुने हैं डॉन वो होता है तो बेसिकली आप डॉन कैसे बने एनी प्रॉब्लम सर नो प्रॉब्लम दरअसल मुझे बचपन से ही बिजनेस करने का बड़ा शौक था मगर बिजनेस तो किसी भी टाइप का हो सकता है कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन रियल एस्टेट एटसेट्रा तो आपको क्या लगता है ये सब मेरे बिजनेस नहीं है मुझे क्या लगता है उन सब में नहीं पढ़ते हैं वरना इस इंटरव्यू का प्रीमैच्योर क्लाइमेक्स हो जाएगा आपकी शुरुआत कहाँ से हुई एक्चुअली मैं बचपन से मल्टी टैलेंटेड था वो क्या बोलते हैं हरफन मौला लेकिन मेरे बाप को बड़ी दिक्कत थी इस बात से सो आपका कहना है आपके डॉन बनने में आपके अनरिजॉल्व फादर इश्यूज का हाथ है हैं? मेरे डॉन बनने में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का हाथ है वो खुद मैं हूं क्या समझे सही कहा आपने व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन ऑन माय पार्ट कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा बड़ा होकर डॉन बने आपने भी बिल्कुल सही कहा कौन सा चैनल चाहेगा कि उसका सबसे अच्छा रिपोर्टर बेमौत मारा जाए
आपके सवाल पे आते हैं। एक्चुअली मुझे बचपन से क्रिकेट का बड़ा शौक था। हाइट कम थी, वजन ज्यादा था, तो खेल नहीं पाया, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग थे। वो आपकी जबान में बोले तो मन की बात। तो मतलब बचपन से ही आप मैच फिक्सिंग और बैटिंग में लग गए थे। मैंने बोला चार तो चार, मैंने बोला छः तो छः, मैंने बोला आउट तो आउट। सो बेसिकली यू वांट टू से कि आपकी गट फील बहुत स्ट्रांग थी। हाँ हाँ, शुरू शुरू में, बाद में तो गट फील की जरूरत ही नहीं पड़ी। सॉरी मैं समझा नहीं। कुछ और पूछो ना यार, कुछ इंटरेस्टिंग पूछो। सो यू आर सेइंग कि आपका मैच फिक्सिंग से कोई लेना देना नहीं। द एंटायर वर्ल्ड नोज डी, यू कैन नॉट डिनाई दिस। आपकी फोटोग्राफ्स देखी गई हैं स्टेडियम के अंदर, कैसे कह सकते हैं आप? फोटो? यस, फोटो तो फिल्म स्टार्स की भी। यहाँ ग्रांट रोड पे खड़े हुए तो वो सब प्रोस्टिट्यूट हो गए। फोटो तो नेताओं की भी है, अमर जवान ज्योति के सामने, तो वो सब देशभक्त हो गए। कैसी बात करते हो अर्नब? तो फिर ये सारे रूमर्स आए कहाँ से? दरअसल मेरी कुछ खिलाड़ियों से दोस्ती थी। किसी को दो दो गर्लफ्रेंड अफोर्ड करना मुश्किल था, किसी को एजुकेशन लोन चुकाना था, तो मैं उनकी मदद कर दिया करता था। ओ आई सी, एंड इन रिटर्न? इन रिटर्न वो मेरी मदद कर देते थे और क्या। अब हर बैट्समैन हर मैच में 100 बनाएगा तो बाकी टैलेंट को कैसे मौका मिलेगा? ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब व्हाटएवर वी सी ऑन टीवी स्क्रीन्स वाज एक्चुअली बीइंग रिमोट कंट्रोल बाय यू। अरे यार, तुम तो खामखां बात को बढ़ा रहे हो। कितनी बार तो मैंने खुद खिलाड़ियों से कहा है कि इस मैच में 100 बनाना है जरूर। कौन से देश के लिए? अपने देश के लिए। अपना देश मतलब? अपना देश मतलब अपना मुल्क। That's all very fine, but why don't you take a name? नाम में क्या रखा है अर्नब भाई? देश नाम से नहीं, लोगों से बनता है, क्या समझे? ओके, आप अपने टैलेंट्स की बात कर रहे थे। हाँ, क्रिकेट के अलावा मुझे फिल्मों का भी शौक था, लेकिन फिल्मों को लेकर मेरी दो कमजोरियां थी। एक तो मैं सिनेमा हॉल में लगने का इंतजार नहीं कर सकता, और दूसरी फिल्म का मजा मैं अकेले नहीं उठा सकता। अब अच्छी पिक्चर है तो सब तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ओके, तो इसीलिए आपने पायरेसी शुरू कर दी। पायरेसी? ये क्या होता है भाई गिरधारी? अरे यार, मैं दुनिया में इधर उधर घूमता रहता था, जहां भी कोई अच्छी पिक्चर देखने को मिल गई वहीं एक कॉपी बनवा लिया करता था, क्या समझे? So this according to you is not piracy? जोर जबरदस्ती से नहीं यार अर्नब, मोहब्बत से। कभी फ्रांस तो कभी कांस। फ्रांस और कांस एक ही है मिस्टर डी। समझ गया ना, तो डिटेल में क्यों जा रहा है? तो बेसिकली आप फेस्टिवल से प्रिंट उठवाते थे। उठवाते तो आदमी को है। तूने कभी फिल्म को किडनैप होते सुना है? नहीं सुना है। आपकी फिल्मी बात से सवाल, डू यू इन्वेस्ट इन बॉलीवुड? नो। अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट यू डू, एंड यू हैव अ ह्यूज पायरेसी रैकेट दैट कॉजेज लॉसेस वर्थ क्रोर्स टू द फिल्म इंडस्ट्री एवरी ईयर। कौन से लॉसेस? कौन से लॉसेस? पहले ये बताओ मेरा पैसा कहाँ है? आपका कौन सा पैसा? वही पैसा जो मुझे मिलना चाहिए उस हर फिल्म के लिए जो तुम लोग मुझ पर बेस करके बनाते हो। मिलना चाहिए कि नहीं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू नो कि आपका रियल बिजनेस क्या है। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, हॉर्स रेसिंग, क्या? इनमें से कुछ भी नहीं। बेसिकली आप अनएम्प्लॉयड है। एक बात पूछू अर्नब भाई, अमेरिका में बीगल फैमिली, साउथ अमेरिका में गोंजालिस फैमिली, और इटली में तो इतने नाम है कि पूछो ही मत, गिनते गिनते शाम हो जाएगी। ये सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। आप लोगों को मेरे अंदर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों है? ये लोग ऐसी कौन सी दरगाह पे सजदा करके आए हैं कि इन्हें कोई कुछ नहीं कहता? मिस्टर डी, यू आर इवेडिंग माय क्वेश्चन। आर यू सेइंग यू डोंट डू स्मगलिंग?
अरे यार मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कुरियर सर्विस, जैसे मोबाइल सर्विस। अभी मोबाइल से याद आया, एक बात बता, अगर कोई एयरटेल के सिम कार्ड से फोन करके किडनैपिंग कर ले तो इसमें एयरटेल का क्या कसूर? बोल। आपने कहा कुरियर सर्विस, तो क्या आप ड्रग्स के डोमिनोज हैं? तेरे सवाल में दो लफ्ज हैं जिनका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ओके, अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप खुल के बिजनेस क्यों नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं? हाँ तो मैं तो खुल के ही काम करता हूँ। तू बता तेरे घर पे कितना माल कब पहुंचाना है, बोल। I never meant that. Leave it. What about extortion? अल्लाह कसम, आज तक मैंने किसी का बच्चा नहीं गिरवाया। मिस्टर डी, मैं अबॉर्शन की नहीं एक्सटॉर्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब ही नहीं पता मुझे। साला नौटंकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आता है, एक्सटॉर्शन समझ नहीं आता। एक्सटॉर्शन मींस ऑब्टेनिंग मनी थ्रू फोर्स और थ्रेट। कमाल है, लोग फोर्स और थ्रेट की नौबत आनी क्यों देते हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? सो यू डू अग्री दैट यू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम पीपल? अब यार सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो बिल तो दूंगा ना। तुम ये शो करने के लिए अपने चैनल से सैलरी लेते हो कि नहीं? ओके मिस्टर डी, लगता है आप सीधे जवाब देने के मूड में नहीं है। लेट्स शिफ्ट टू सम लाइटर क्वेश्चंस। शिफ्ट तो आप कर ही चुके हैं भाई से मिस्टर डी पर। शिफ्ट तो आप भी कर चुके हैं मिस्टर आर्नब से भाई आर्नब पर। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है? ब्रूस विलिस और सिल्वेस्टर स्टॉलन। तो आप हॉलीवुड भी देखते हैं? मैं हॉलीवुड ही देखता हूँ। दैट्स स्ट्रेंज, मगर बॉलीवुड क्यों नहीं? मुझे साउथ की फिल्में पसंद नहीं है और तुम लोग उसके अलावा कुछ बनाते ही नहीं हो। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? तुम्हारे यहाँ एक भी ढंग की नहीं है, किसी के होठ नकली है, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को बिना मेकअप के देख लो तो पैरालिसिस का अटैक हो जाए। कहाँ से लाते हो इन सबको यार? ओके, तो आपको पसंद कौन है? नाज़रीना। पर वो तो बॉलीवुड से ही है। बॉलीवुड में तो अब है वो, उसका असली काम तो न्यूयॉर्क के बार में शुरू हुआ था। मिस्टर डी देखिए, ये एक फैमिली शो है, अच्छा होगा अगर आप अपने रिस्पॉन्सेज थोड़े सेंसर करके रखें। तो अरे फैमिली शो ही करना था तो मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? सूरज बड़जात्या या राजू ईरानी का कर लेते। बिलीव मी आई ट्राइड फॉर दैट, लेकिन वो आपसे भी ज्यादा बिजी हैं आजकल। मैं करूँ अरेंज फोन करके अभी। एनीवे, हॉलीवुड के अलावा आप और क्या पसंद करते हैं? हॉलीवुड के अलावा मैं पोर्न देखना पसंद करता हूँ। कहानी इसमें भी नहीं होती, कहानी उसमें भी नहीं होती, एक्शन जरूर होता है। लेकिन आजकल ऐसी बॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जहाँ पे बहुत सारा एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जिस्म 2, रागिनी MMS 2, एक्सट्रीम एक्शन। हाँ तो कुल मिला के पोर्न स्टार को ही लाना पड़ा ना। ओके, विद दैट वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, वी विल बी बैक इन अ जिफी। स्पेशल लिव इन कॉन्डोम्स, नाइजीरिया की स्पेशल 400 TCM पॉलिएस्टर का बना हुआ। इसको आपको उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या पता मौका कब हाथ लग जाए। ये अपने आप को आपके साइज के अनुसार एडजस्ट करता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपका सैनिक आपकी सेवा में तैयार मिले। लिव इन कॉन्डोम्स, पहन के रखना उतारना नहीं। वेलकम बैक, आई एम स्टिल विद डी, a man who's not ready to give answers, but we are trying to find answers from him. Sir, tell me something about your journey from Mumbai to here. Mumbai name. Okay, sure. से याद आया, वो कल ही फोन आया था। तीन दिन से पानी नहीं है मेरे मोहल्ले में। इतना सा काम नहीं होता तुम लोगों से। Mr. D, let me remind you, I'm not in municipality. याद आ गया तो मैं ही करा देता हूँ। वो गए थे उनको फोन लगा, अभी दिखाता हूँ म्युनिसिपैलिटी क्या होती है। हेलो। हाँ गए थे। सलाम भाई, क्या हाल है भाई? सब ठीक। हाँ सलाम सलाम, वो सब ठीक है। अच्छा सुन, डोंगरी में तीन दिन से पानी नहीं है, जल्दी से टैंकर भिजवाओ उधर। हाँ और दोबारा फोन नहीं करूँगा मैं। हाँ भाई अर्नब बोलो। मिस्टर डी, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम टू हियर। भाई देख,
डोंगरी ने मुझे बड़ा किया, मुसाफिर खाने ने मुझे पाला, वडाला और मनीष मार्केट ने मुझे डॉन बनाया, तेरी सरकार ने मुझे तड़ी पार कर दिया, बस इतना सा सफर है। और यहाँ इस जगह आप कैसे पहुंचे? यहाँ मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, पूछ क्यों? क्यों? कराची में मुझे की खुशबू आती है। चलिए, खुशबू की बात हो रही है, would you want to say something about 93 blasts? वहां मत जा, वरना इंटरव्यू वैसा हो जाएगा। मिस्टर डी, मेरा काम है वहां जाना। I'm also a service provider like you. I deliver truth. तो truth कहीं और जाके ढूंढ, यहाँ truth नहीं है इस बारे में। तो आपको कुछ नहीं कहना है? अचानक से रिमोट की बैटरी कैसे डाउन हो गई? भाई अर्नब, बचपन में मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अगर किसी ने अपना मन बना ही लिया है तो उसे समझाने के लिए वक्त जाया नहीं करते। ठीक है, चलिए, आप नहीं बताएंगे तो मैं ही पूछ लेता हूँ, क्या 93 ब्लास्ट्स में आपका हाथ था? नो। सिर्फ नहीं, अ प्लेन नो। हाँ तो क्या, इसके ऊपर मैं 3.5 मिनट का भाषण दूं तेरे को? व्हाट रबिश इज दिस? एविडेंस से साफ पता चलता है कि आपने बॉम्ब सप्लाई किए थे। हाँ किए थे, मैं कब कह रहा हूँ मैंने नहीं किए थे। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपका हाथ नहीं था। भाई मेरे, जो बम पटाखे चलते हैं वो सारे मैं ही सप्लाई करता हूँ, और टीम में बाकायदा पटाखों की फैक्ट्री है मेरी। सो यू आर एक्चुअली सेइंग दैट यू ओन अ फायरवर्क्स फैक्ट्री इन इंडिया? हाँ। इफ यू डोंट माइंड, आप उस कंपनी का नाम बता सकते हैं? फिर डिटेल में घुस रहा है। वो क्या बोला था तूने कि मैं ड्रग्स का क्या हूँ? डोमिनोज। डोमिनोज, तो अब ये समझ ले कि मैं बम का भी बिग बाजार हूँ। चलिए आपके ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की बात करते हैं, हैं? मतलब आपके बिजनेस को रन करने में जो प्रॉब्लम्स आती है उनकी बात करते हैं। ये बॉम्ब के बिजनेस में प्रॉब्लम तो बहुत होती होंगी ना? हाँ, प्रॉब्लम से मुझे याद आ गया, अभी कल ही अलकायदा वालों का फोन आया था, वो कह रहे थे कि दिल्ली में एक सुसाइड बम्बर लड़की भेजी थी, वो बेचारी पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी, चार लड़कों ने उसे देखा, अपना हक समझा कर दिया। अब बताओ, ये दिल्ली में ऑफिशियल स्पोर्ट डिक्लेयर कर रखा है क्या? आप वो प्लीज वो सुसाइड बॉम्बर वाली बात को इलैबोरेट कर सकते हैं? मुद्दे से भटक मत, पॉइंट ये है कि तुम्हारी कंट्री में एक शरीफ लड़की इत्मीनान से अपना काम भी नहीं कर सकती है। मैं मानता हूं, बट आपकी सो कॉल्ड वो मासूम लड़की भी वहां कोई कैंडल मार्च करने नहीं गई थी। खैर छोड़िए, लेट्स जस्ट मूव ऑन। आपकी और कौन सी प्रॉब्लम्स है? एट्रिशन। वाह, अनरिजॉल्व फादर इश्यूज समझ में नहीं आते, एट्रिशन का पता है? कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, नथिंग, यू कैरी ऑन। पिछले 2 महीने में मेरे 200 लोग काम छोड़ के जा चुके हैं। कमाल है, मैंने तो सुना था कि डॉन की नौकरी को छोड़ ही नहीं सकता। खैर सुना तो सही है, लेकिन वो तुम्हारा बाबा है ना, वो हम 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 ये करता रहता है, वो तो उसको धमकाने के लिए भेजा था, तो 3 दिन वो उसके कैंप में रहे, बोले अब वापस ही नहीं आ रहे। उनकी देखा देखी ये पैसे भी कुछ लोग वहां चले गए। वो क्या SMS आया था? पैसे गिरधारी बता जरा। भाई हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, ये SMS आ रहे हैं, क्या करें। बम है किधर, कहां? भाई लाऊं क्या? बम है। अरे कहां खो गया, आगे पूछ। रिपोर्टर? रिपोर्टर नहीं, सीनियर एडिटर। क्या फर्क है दोनों में? वही जो गैंगस्टर और डॉन में होता है। ऑन दिस नोट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आई एम स्टिल सिटिंग विद द मोस्ट वांटेड मैन ऑन द प्लैनेट, एंड बिलीव मी थिंग्स आर गोना गेट लॉट मोर इंटरेस्टिंग, डोंट गो अवे। ला पानी ला भाई के लिए, मैं आपसे चेक करता हूं। अजीब टाइप के आदमी हो यार। थैंक यू। रे क्या हुआ? ये बड़े लोग भी कितने कंजूस होते हैं। 2 घंटे भीख मांगने के बाद ये मिली और उसमें भी चीनी नहीं डाली। क्या बात कर रहा है, इसमें चीनी नहीं है, अब क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? सोचना पड़ेगा, रुक। आइडिया आया, वो भी सोचना पड़ेगा।
बॉन्ड बॉन्ड जेम्स बॉन्ड। भाई एक बात बताओ, कब से ये आइडिया मेरे दिमाग में गुटरगू कर रहा था, पर साला जुबान में नहीं आया। अबे संगत का असर है। ये क्या दे दिया? क्या है ना, एक दुर्योधन के बाद ना आप ही हैं जिसने चीरहरण किया है। चीरहरण क्या होता है ये? चीरहरण मतलब किसी को जिस्मानी तौर पर नंगा करना। किसी और तौर पे भी नंगा करते हैं क्या? हाँ भाई करते हैं ना। कौन सा? रूहानी तौर पे। हाय। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो यहीं के हो गए? हो गए क्या? हूँ, मैं ही फैसलाबाद में पैदा हुआ था। अच्छा, आपको डी के यहाँ काम करने में गिल्ट नहीं होता? हाँ, मतलब जो आप कह रहे हैं उस पर आपका कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा। ये क्या होता है? मतलब सच्चे दिल से नहीं कह रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा अच्छा भाई, सब क्या है, कुंवारा हूँ ना, तो दिल विल की बात। वैसे मेरा नाम गिरधारी की जगह गफूर होता तो भी आप ये सवाल पूछते, ये गिल्ट वाला। नंबर चाहिए? नहीं, मेरा कॉल आया। एक्सक्यूज मी। यस सर। कम ऑन आनव, ही इज किलिंग यू आउट देयर। तुम वहां सवाल पूछने गए जवाब देने? जस्ट फ्रिकिंग किक हिम द गट्स मैन। तुम्हें पता है पब्लिक का रिएक्शन क्या चल रहा है? You are trending globally on Twitter with the hashtag National Hero. Do you know what that means? जितना हमने सोचा था ना, ये उससे ज़्यादा होशियार है। But don't worry, अभी interval हुआ है, okay? I'll take care. Yeah. I think we are missing an opportunity here. हम इस century का सबसे बड़ा interview कर रहे हैं। Do you understand? This is Arnab versus D. All right then, 3, 2, 1, going live. Welcome back to the most exciting part of the interview, the rapid fire. हाँ, ये तो मेरा favorite है। नहीं सर, ये वाला नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जिसमें आप सवाल पे सवाल पूछते हैं और जवाब देने वाला जल्दबाजी में कुछ भी बक देता है, वही ना? Yeah, exactly, exactly. तो आगे बढ़े? आगे तू बढ़, मैं तो यहीं से बोलूंगा। इस राउंड में एक मिनट में आपसे मैं 5 सवाल पूछूंगा, आपको उनका जल्दी जल्दी जवाब देना है। पहला सवाल, अगर आपको एक आइलैंड पे अकेला छोड़ दिया जाए एक हफ्ते के लिए, तो किसको अपने साथ ले जाना चाहेंगे? कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा मतलब? क्योंकि कोई भी मेरे साथ जाएगा हफ्ते भर बाद तो मैं ही जिंदा बचूंगा। US प्रेसिडेंट, पाकिस्तान PM और इंडिया PM में से किसी एक से मिलने का मौका मिले तो किसके साथ मिलना चाहेंगे आप? देख, इंडिया वाला तो मुझे पसंद नहीं है, US वाले की मुझसे फटती है, और रही बात पाकिस्तान वाले की, तो आए दिन यहीं पड़ा रहता है, 10 मिनट रुक जा, तेरे से भी मिलवा दूंगा। विराट या शाहिद? जो पैसे ले ले। AK-47 या AK-56? दिमाग सबसे खतरनाक है। नजरीना या गीतिका? दोनों। दोनों नहीं, एक ही, आपको चूज करनी। दोनों यहाँ आके जा चुकी है। ओके, इफ देयर इज अ बायोपिक ऑन डी, Who would you want to play your role? शशि कपूर। शशि कपूर साहब, why? क्योंकि बंगला, गाड़ी, पैसा तो मेरे पास भी है, लेकिन माँ आज तक उसी के पास है। Okay. Black money या white money? है यार, तुम लोगों की तरह रेसिस्ट नहीं हूँ मैं, काला सफेद सब बराबर है मेरे लिए। अगर आप अपनी लाइफ में एक चीज बदलना चाहें तो वो क्या होगी? मैं डोंगरी की बजाय कोलाबा में पैदा होना चाहूंगा, उसके बाद तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। I have to say, Mr. D, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत frankly। ये छोड़, हैम्पर कहाँ है? कौन सा हैम्पर? नहीं, वो रैपिड फायर के बाद तुम लोग देते हो ना वैसा बड़ा सा हैम्पर। उसकी कोई बात नहीं की थी हमने। क्या बात नहीं हुई थी हैम्पर की? गिफ्ट रैपिड फायर के बाद हैम्पर मिलता है, सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? किधर है? सर, हम आपको इंडिया पहुंच के डिलीवर करवा देंगे। अच्छा, आगे पूछ, जल्दी कर, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, चल। तो मिस्टर डी, ये हमारा लाइव ऑडियंस सेगमेंट है, इसमें मुंबई स्टूडियो में हमारे 3 लोगों का पैनल बैठा हुआ है, वो आपसे डायरेक्ट सवाल करेंगे। सबसे पहले रोहित शुक्ला फ्रॉम JNU। रोहित, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। मिस्टर डी,
अभी तक के आपके रिस्पॉन्स से ये लगता है कि दैट यू डोंट हैव एनी इलीगल बिजनेस, और आज तक आपने कोई कानून भी नहीं तोड़ा. प्रैक्टिकली वेरी हार्ड टू बिलीव. लो कर लो बात. मैंने ऐसा कब कहा जनाब? नो मिस्टर डी, वी कैन हैव अ रीरन ऑफ द इंटरव्यू. हम आपसे पूछ कुछ रहे हैं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं. मतलब मैं आपके इंटरव्यू की जगह छोटा भीम का इंटरव्यू चला दूं तब भी सेम ही लगेगा. अच्छा yes! मैंने इतने कानून तोड़े हैं, इतने कानून तोड़े हैं जिसकी गिनती नहीं है. Now we are talking. Tell us more, please. मैंने 3 साल से सर्विस टैक्स नहीं भरा. तो आपका मतलब इससे बड़ा कानून आपने नहीं तोड़ा? अरे यार भाई, आप ही ने तो कहा था फैमिली शो है, सेंसर करके चलना. Our next question is from Mr. Vijay Chakravarti, who is our special guest tonight from External Affairs Ministry. Can you tell us, Mr. D, कि आप citizen किस देश का है? इसको आप सेंसर मत कीजिए, ये मैं संभाल लूंगा. ये ले, ये है मेरी सिटीजनशिप का प्रूफ. तुझे जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगे उसको रख ले. व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस? ये 192 देशों के पासपोर्ट हैं. तो यू वांट टू से के आप पूरी दुनिया के सिटीजन हैं? अरे नहीं यार, अभी 4 बाकी हैं. गिरधारी क्या हुआ उन 4 देशों का? भाई वो अप्लाई कर दिया, 4 दिनों में आ जाएगा बनके. अबे तत्काल में बनाए होंगे इसने. बंदूक की दुकान वाला है ना. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस नेहा, हु इज आवर एस न्यूज़ राइटर. हाय मिस्टर डी. जी. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर फीमेल ऑडियंस. आप हमेशा मुझे क्यों रखते हैं? और व्हाट इज दिस फैसिनेशन विद द सेम ब्रांड ऑफ सनग्लासेस? मूंछ क्यों रखता हूं? एक कैरेक्टर मिलता है. अब पूंछ रख नहीं सकता इसलिए मूंछ रख लेता हूं. और बिना मूंछ का आदमी मुझे ऐसा लगता है जैसे सड़क पर नंगा खड़ा हो कोई. और रही बात सनग्लासेस की, तो मुझसे रिलेटेड सारी चीजें वर्ल्ड में बैन है, तो मेरे ग्लासेस भी रे बैन ही होंगे ना. अ बिग थैंक्स टू आवर पैनल इन मुंबई एंड टू नेहा. सर, वर्ल्ड से याद आया, ऐसा रूमर है कि ओसामा किलिंग्स के बारे में आपको पहले से पता था. पता था? मेरे लड़कों ने टपकाया उसको. इतना बड़ा मजाक आपकी मूछों पे सूट नहीं करता. अरनमिया सच कह रहा हूं, प्रोटेक्शन मनी की ईएमआई 3 महीने से उसने भरी नहीं थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. कमाल की बात कर रहे हैं आप. यूएस ने इतना बड़ा कॉवर्ट ऑपरेशन किया, मूवी तक बनी है उस पे. मूवी तो जुरासिक पार्क पे भी बनी है, मगर वो सच थोड़ी है. So you're saying कि US का इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक वीडियो गेम था, is that what you're saying? अरे मेरे भाई, ऑपरेशन कोई भी करे, लेकिन कमांडो यूनिफॉर्म के पीछे किसके लोग हैं तेरे को क्या पता? Wow, it's very hard to tell कि ये fact है या fiction. 93 ब्लास्ट के बारे में भी यही बात है, किसी को नहीं पता वो फैक्ट है कि फिक्शन है. On that note, we take a short break. We'll be back with our final leg of the interview. हेलो, वहाँ सब ठीक है? यहाँ सब ठीक है, पर तुम क्या कर रहे हो यार? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, यही तो प्रॉब्लम है. मैंने लाइव टीवी पर कोर्ट मार्शल कर देने वाले आदमी से शादी की थी, किसी ऐसे आदमी से नहीं जो किसी गुंडे से डर जाए. वरना तुम्हें क्या लगता है, मेरे जैसी क्राइम रिपोर्टर तुमसे शादी करती क्या? कहना क्या चाहती हो, बोलो ना. लिसन, इट माइट साउंड चीज़ी राइट नाउ टू यू, बट यू डू रिमेंबर आवर जर्नलिज्म ओथ, राइट? That we will uphold the dignity of this country and its media, come what may. हाँ, थोड़ा cheesy और preachy है, right? Shut up, Arnab. This is not a joke. You're on the verge of becoming a national hero, यार. कितने लोगों को ये chance मिलता है? Social media is going berserk. Do you realize the gravity? वो रहा होगा कहीं का गुंडा यार, हमको क्या करना है? मगर आज इंडियन मीडिया के सबसे बड़े गुंडे तुम हो, जस्ट रिमेंबर दैट. एंड दिस इज नॉट जस्ट एन इंटरव्यू एनीमोर टू सेव योर जॉब. ये डी का वो ट्रायल है जो 22 साल से कोर्ट में नहीं हुआ. एंड इट डजंट मैटर इफ इट्स अ मीडिया ट्रायल, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस अर्नब. एंड इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस, सो यू डोंट वरी अबाउट मी. आई एम फाइन. और वैसे भी मैंने पुलिस को टेक्स्ट कर दिया है.
So you just go out there and grab him by his freaking balls. सोचा नहीं था आपके साथ ऐसे सिगरेट पीऊंगा कभी। सिगार ट्राई किया है? नहीं, मेरे गले में लगता है। तू जानता है मैंने इंटरव्यू के लिए हाँ करने से पहले तुझसे इंटरव्यू की स्क्रिप्ट क्यों नहीं मांगी? क्योंकि मुझे लगता था कि तू बीवी बच्चों वाला आदमी है, बीवी के मरने के डर से थोड़ा हद में रहेगा, औकात में रहेगा। लेकिन मैं भूल गया था कि ये मीडिया वाले कब औकात में रहते हैं। चल रिलैक्स हो जा, आगे का इंटरव्यू हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन जरा हद में रहना, वरना लाइव टीवी पे डॉन का इंटरव्यू है, कुछ भी हो सकता है। क्या समझे? हाँ। लास्ट लेग है इंटरव्यू का, लेट्स मेक इट काउंट। दिस इज योर रिवाइज्ड ड्राफ्ट फॉर द फाइनल सेगमेंट। यस, जस्ट शो हिम हिज प्लेस अर्णव। वेलकम बैक टू वन ऑन वन विद मी अर्णव घोष। अब हम अपने फाइनल सेगमेंट में पहुंच गए हैं, जहां पे कुछ और इनकन्वीनियंट सवाल मिस्टर डी से पूछेंगे। आर यू रेडी? आपकी बातों से लगता है कि आपका इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे है। सो कंधार में जो हाईजैकिंग हुई थी उसके पीछे आपका हाथ था? ये लो, हद है यार। अब तुम ये भी कहोगे कि वो मलेशिया वाले हवाई जहाज भी मैंने गायब करवाए थे? मैं नहीं कहूंगा, बट गल्फ के न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट ऐसा कहती है। हाँ, ये रिपोर्ट सही कहती है। सो आप ये फैक्ट बता रहे हैं फिक्शन? अब मैंने जो बता दिया, जो समझना है वो समझ ले। मिस्टर डी, लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल इन माय क्वेश्चन। So you're saying that you were behind the disappearance of two Malaysian planes, including MH370? इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स, रिलैक्स। गर्माने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि flight disappearances in Malaysia have been engineered by you, and you're asking me to calm down? अरे मेरे भाई, ये सब मीडिया का बनाया हुआ बुलबुला है। इतना तो कुछ हुआ भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ था? दरअसल क्या हुआ कि मुझे कुआलालंपुर से कराची की फ्लाइट में बैठना था, है ना, और सालों ने मुझे बीजिंग की फ्लाइट में बिठा दिया। अब मेरी क्या गलती है बताओ? मुझे अपने भांजे की शादी पे जल्दी पहुंचना था, तो फ्लाइट को डाइवर्ट करके लाना पड़ा। वो खड़ी है पीछे, देख ले। अब आप ये भी कहेंगे कि फ्लाइट के जो पैसेंजर्स है वो भी यही है? तो तुझे क्या लगता है इतने नौकर चाकर मेरे घर में शुरू से हैं? And what about the second Malaysian plane? अरे यार, तू भी हद करता है ना भाई अर्णव। देख, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद मैं कोई पागल हूँ कि जो उसी फ्लाइट में दोबारा ट्रेवल करूंगा? No wonder के FBI के टॉप 10 क्रिमिनल्स लिस्ट में आपका नाम भी है। यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है भाई अर्णव, मैं नंबर 1 हुआ करता था, 3 साल में खिसकते खिसकते नंबर 6 पे आ गया हूं। कल के मेरे सीखे हुए लौंडे लिस्ट में टॉप पर बैठे हुए हैं। क्या जमाना आ गया यार। आप तो सेंटिमेंटल हो गए। कोई बात नहीं, हर किसी का दिन आता है। लगता है वो सेंसर वाली बात आप पर लागू नहीं होती है। हाँ, होती है मिस्टर डी, लेकिन कभी कभी मैं भी सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। I'm sure आपके पास वापस नंबर 1 बनने का प्लान तो होगा ही। हाँ, प्लान तो है। आपको लाइव टीवी पे गोली से उड़ा दूं तो रातों रात नंबर 1 बन सकता हूँ। आपने फिर गुंडों वाली बात कर दी। बोलने और करने में फर्क होता है मिस्टर डी। माय हीरो। फाइनली ऑन पॉपुलर डिमांड एक और लास्ट क्वेश्चन। पॉपुलर डिमांड? डांस वांस तो नहीं करना पड़ेगा ना? आप कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपके फेसबुक ट्विटर पे बहुत से फेक अकाउंट्स हैं, आए दिन आपका मजाक उड़ता रहता है उन पे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सही बोल रहा है? हाँ, ऑफ कोर्स।
एक अकाउंट तो एग्जैक्टली आपके नाम पे आए दिन स्टेटस अपडेट चेक इन शेयर ये सब चलता है। क्या दिखा जरा कौन सा अकाउंट है दिखा? ये यस व्हाट्स द मैटर? आपको अपने ही मजाक पे हंसी क्यों आ रही है? ये तो मेरा ही अकाउंट ये गिरदारी संभालता है। दिखा गिरदारी दे जरा ये देख मैं मलेशिया गया था तो वहां के होटल में चेक इन किया था ये देख। और एक बार क्या हुआ मैं बड़ा दानिशमंड टाइप का मतलब ऐसे फिलोसफर जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे तो मैंने ही कहा था ये स्टेटस डालने को। देख ये पीएम की बेटी की शादी पे गया था वहां डिनर की फोटो डाले हुए हैं देख गिरदारी फेसबुक का मुंह दूरदर्शन जैसा हो गया गिरदारी ये तो तूने उस पे भी डाले थे ना वो क्या कहते हैं उसको वो ग्राम पंचायत भाई ग्राम पंचायत इंस्टाग्राम पिटने वाले का मत किया कर ओके एक लास्ट क्वेश्चन आप इंडिया छोड़ के क्यों भाग गए? मैं कहां भागा? मैं तो वैसे ही बिजनेस बढ़ाने के लिए दुबई सेटल होने वाला था बदकिस्मती से ब्लास्ट हो गए और आप लोगों को लगा कि मैं भाग गया। तो फिर आप अपने लोगों को इंडिया में अकेले क्यों छोड़ गए? या फिर आपका पहले से प्लान था बाहर अकेले सेटल होने का? दैट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत से लोग होते हैं जिनको किसी की भी परवाह नहीं होती और बिजनेस के लिए घर से दूर चले जाते हैं दैट्स फाइन। अर्नब इस बार मोबाइल पे ट्रेलर नहीं लाइव शूटिंग दिखाऊंगा। तू मुझे क्या ट्रेलर दिखाएगा? मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। ए, जबान संभाल के। ए, तू चुप कर। अपने देश में तेरी हवलदार बनने की औकात नहीं है यहां तू राइट हैंड बना घूमता है राइट हैंड से पता नहीं क्या करते हैं। गिरदारी रहने दे वैसे ही बहुत गोलियां महंगी हो गई हैं क्यों वेस्ट कर रहा है रहने दे। दी तुझे मैं बताता हूं तेरी प्रॉब्लम क्या है। ये 200 बॉडीगार्ड सिक्योरिटी सिस्टम ये सब तूने इसलिए लगाया है क्योंकि तू डरता है। अपने सिक्योरिटी से लदे घर में बैठ के तू सारी दिलेरी की बातें कर रहा है। अबे तू इतना बड़ा डायनेमिक डॉन है तो वापस आके दिखा। यहां से दिल्ली 1100 किलोमीटर दूर है लेकिन तू वहां नहीं जा सकता। नैरोबी जा सकता है मलेशिया जा सकता है यहां तक के पूरी दुनिया के पासपोर्ट अपने पास ला सकता है मगर कभी दिल्ली नहीं जाएगा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तू किसी का नहीं है ना तू अपने घर वालों का है ना अपने देश वालों का। जिस देश ने तुझे पैदा किया उसी देश के 257 लोगों की तूने जान ले ली। जिस मौले ने तुझे बड़ा किया अपना मान के वो आज तेरी वजह से पुलिस और कचहरी के चक्कर काट रहा है मगर तू सोचता है कि तू डॉन है। तू भाई है ना? तेरे भाई को हमारे देश में भी 6 महीने पहले फांसी पर चढ़ा गया याद है? बचा लेता। तू डरता है अपने खुद के क्रिमिनल रिकॉर्ड से और इतना डरता है कि अपने क्राइम के लिए तूने अपने भाई को सूली चढ़ा दिया। ये देख ये वो सीढ़ी है जिसे मैं अभी चला दू ना तो 5 मिनट लगेंगे ये प्रूव करने में कि जितने इल्जाम तुझ पे लगे हैं वो सारे सही हैं। तुझे फिल्में देखने का शौक है ना? चल इस सीढ़ी को मिलके देखते हैं। तू नहीं देखेगा क्योंकि तू आज तक अपने आप से भागता है। अरे डॉन वो होते हैं जो सीने पे इल्जाम लेते हैं और साफ साफ बोलकर या तो एक्सेप्ट करते हैं या डिनाय करते हैं। तेरी तरह रैंडम फैंटेसी स्टोरीज के पीछे छिपते नहीं फिरते। पर क्या करें तू तो है ही डरपोक। अब तेरी बाकी की जिंदगी तो अपने इन इल्जामों से भागेगा और जब तू मरेगा तो कब्रिस्तान में दफ होने के डर से तू भागेगा क्योंकि वहां तेरे और तेरे गुनाहों के बीच पर्दा नहीं रह जाएगा ना। ये तेरी किस्मत है डी तू डॉन नहीं फ्रॉड है। वाह अर्नब। मैंने कुछ नहीं किया। हथियार दे तू भाई को संभाल। मगर गिरधारी भाई इसने भाई को मारा है। अरे नहीं इसे दाहिना हाथ का हिसाब हमको लेना है तू संभाल इधर। बाहर निकल। पागल कर दिया। अरे भाई का दिल बहुत बड़ा है। आ जाओ बाबा आ जाओ। दिल का दौरा तो पड़ना ही था। चलो जाने का टाइम हो गया। चलो। अरे दिल बड़ा है ना। ओके। चलो चलो। चलो चलो। बाय। बाय। बाय।
भाई। उफ। ए! जल्दी। चल चल। चल। ए! बताओ तुझे दाइनाहट क्या करता है? दाइनाहट ट्रिगर दबाता है, तमाचा लगाता है, गोली चलाता है, फूंक देता है। स्पीच मत दे, खत्म कर। चलो भाग जाओ। 500 मीटर दूर हमारे आदमी मिलेंगे, तुझे तेरे घर तक महफूज पहुंचा देंगे। क्या बात कर रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ। चलो, आई एम नॉट बिलीविंग इन वायलेंस नाउ, आई एम बिलीविंग इन लव। तू मजाक कर रहा है ना? नहीं नहीं, चलो चलो भागो। अलविदा निया जी, पीछे मुड़ के मत देखना। न्यूज ब्रेक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। शब्दों के बाण ले गए डी के प्राण। आज की सबसे पलंग तोड़ खबर यह है कि हमारे स्टार रिपोर्टर अर्नब घोष ने कुख्यात डॉन डी को घर में घुस के मार दिया। देश भर में भूचाल सा आ गया है। तुम तो ओवरनाइट स्टार बन गए बेबी। मैं तो पैदा ही सुपरस्टार हुआ था। या राइट। अच्छा, I wanted to tell you something. बोलो। तुम्हें पता है ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत टफ और चैलेंजिंग था, you know why? मुझे बहुत सारे चैलेंजेस लेने पड़े। I know. एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। I know. You don't know. Are you telling me I have to compromise with D? नहीं नहीं, इतना बुरा नहीं। फिर क्या यार, कुछ भी चलेगा। I don't think so. What do you mean? Actually, I'll have to sleep with Neha for one night. What do you mean you have to sleep with Neha for one night? Only one night. What rubbish is that? Only one. So you have guts to tell me this? Not two. You have a pregnant wife. You're a rascal. You're such a creep. Say sorry. Say sorry. Sorry. One more time. Only one. Sorry. Only one, right? Say sorry. Sorry. You're such a creep, yeah. Okay, okay. I'm going to the doctor. Itne mein? Aur suno. Celebration is due tonight. Not bad. बचा रोहन के दौरान अब सबसे बड़े साइज का ये ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। हेलो, अर्नब भाई कहूँ या सीनियर एडिटर मिस्टर अर्नब? हेलो, अरे मैंने कहा सलाम अलैकुम अर्नब भैया। डी? अरे डी तो हुआ करते थे। आपकी बात डेविड इद्रिस कालेमैन से हो रही है। वक्त आ गया है वो करने का जो हम बरसों से करना चाहते हैं। जी भाई, जैसा आप कहें। मैं हार्ट अटैक का नाटक करके गिर जाऊंगा जी, और तू इन सब को महफूज इंडिया पहुंचा देना, ठीक है? ताकि ये मेरे मरने की खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना सके। जी भाई, और आप इस जिंदगी से आजाद भी हो जाएंगे। हाँ गिरधारी, मैं इसे लाइव टीवी पे मारना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि एक मौका है, उसको मैं ऐसे ही फिजूल का एक मर्डर करके जाया कर दूं, या फिर अपने लिए नई जिंदगी को जन्म दूं। क्या समझे? तुझे पता भी नहीं चला और तू डी की शतरंज का मोरा बन के रह गया। बहरहाल, आज से मैं अपनी एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रहा हूँ। तेरा एहसान है मुझ पे। कभी कोई छोटा मोटा प्रमोशन या पैसे वैसे की जरूरत हो तो याद करना, मना नहीं करूंगा मैं। ये क्या है कर रहा है? सदमा दिल पे ले लिया क्या? नहीं सॉरी यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना हंसूं बट। ए, यार यार किसको बोल रहा है बे? जानता ना किससे बात कर रहा है? डेविड इब्रिस कालेमान से।
यार एक्चुअली मैंने अपने मीडिया के करियर में एक से एक नायाब देखे पर तुझसे बड़ा तो सबका बाप निकला यार। तुझे पता है तूने आज क्या किया? तूने वो काम कर दिया अपनी होशियारी से जो इतने सालों से सारा इंटरनेशनल पुलिस और इंटेलिजेंस नहीं कर पाई। तूने आज अपने हाथों से डी को मार डाला। तू अपने आप को रिमोट कंट्रोल समझता है ना? हाँ? आज तू बिना टीवी के खटारा रिमोट है, मेरे घर में भी पड़ा हुआ है। तेरी स्टोरी कमाल है यार। तू इंडिया में पैदा हुआ, फिर तू वहां से दुबई चला गया, फिर दुबई में इंटरपोल के डर से तू पाकिस्तान भाग गया, फिर तू इतना डर गया कि तू पाकिस्तान तो क्या वर्ल्ड मैप से ही गायब हो गया। कमाल है भाई, मानना पड़ेगा हर इंसान को अपने वजूद अपनी आइडेंटिटी से प्यार होता है, पर तूने तो अपनी पहचान ही खुद मिटा दी। सुपर यार। Honestly, but I am grateful to you. तूने मेरे देश को अपने हैंगओवर से आजाद कर दिया, टोटल फ्री। बट तेरा डर तो हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस की वजह से पहले गायब हो चुका था, लेकिन तूने अपने नाम का डर था उसको भी खत्म कर दिया। सुपर। डी इज गॉन। देख मेरे कार्ड। आप कमाल हो। आई एम श्योर इस वक्त आप किसी अम्यूजमेंट पार्क के सामने एक टिकट की लाइन में रेड हैट पहन के खड़े होंगे, बट मेरी हंसी से पेट में बल पड़ रहे हैं। हाँ, अब आप मुझे इजाजत दे, मैं रखता हूं। ओके, लेकिन एक मिनट, आज डेट पता है ना आपको क्या है? 15 अगस्त। किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज के दिन आप हमें अपने से आजादी दिलवाओ। चलो, अब इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी रियल लोगों के साथ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। हेलो 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 हेलो, क्यों भाई? ये वो छुट्टा मांग रहा है। ए, छुट्टा रखा कर, समझा? जानता है मैं कौन हूँ? डी। चलना भाई। है? जब से वो मरा है सब अपने आप को डी समझ रहे हैं। वो देख आने वाली पिक्चर कॉफी विद डी। भाई आजा भाई। बोलो क्या करूं, पीछे खौफ है आगे मौत है खड़ी। बोलो क्या करूं, पीछे खौफ है आगे मौत है खड़ी। टेढ़ा काम है, चक्का जाम है, अपनी है फटी पड़ी। मैंने सोच ली, तू भी सोच ले, जी में दम है तो पी कॉफी विद टी।